तो गाइस व्हाट्सअप व्हाट्सअप व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और सुनाओ, क्या हाल चाल है तुम लोग के। बढ़िया, एकदम मस्त चल रहा है सब कुछ। बढ़िया, पढ़ाई हो रही है। चलो करें, स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट विद टूडेज ब्यूटिफुल सेशन। और आज का सेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सर, आप हर क्लास में आके यही बोलते हो, तो हर क्लास इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हर दिन अपन कुछ बहुत 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 नया सीखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सीखेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। मुझे एक चीज बताओ कि तुम लोग को मैंने एक क्वेश्चन दिया था, तो तुमने ये होमवर्क वाला क्वेश्चन करा? कहाँ सर, टाइम ही कहाँ लगा हमको, टाइम ही कहाँ है। कल हम 15 अगस्त में लगे रहे, क्यों? चलो एक बार पहले एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर क्या है, और फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो। और जितने लोग ऑनलाइन कनेक्टेड है वो चैट पे अपनी उपस्थिति लिख देना। ओ ओ ओ, एक आंसर आया। ओके, बी इज सब्सिडरी ऑफ ए, सी इज सब्सिडरी ऑफ ए एंड बी, डी इज सब्सिडरी ऑफ ए बी एंड सी, वाओ, एच इज सब्सिडरी ऑफ ए, जी इज सब्सिडरी ऑफ एच एंड ए, एफ इज सब्सिडरी ऑफ जी एच एंड ए। ठीक है, ये एक क्वेश्चन का आंसर आया अभी मेरे पास फिलहाल। ठीक है, तरुण कह रहे हैं कि अभी मैंने ट्राई तो किया था, बट मुझे पता नहीं है कि ठीक है या नहीं है। चलो आओ डिस्कस करते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है, अगर तुम्हारा सही हुआ तो तुम लोग मेरे को चॉकलेट देना, और अगर तुम्हारा गलत हुआ तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। ठीक है, चलो आओ इधर देखो। सर आपने उल्टा नहीं बोला? नहीं, ठीक है ना, अगर तुमने गलत भी करा तो मैं तुमको सिखाऊंगा ना। आओ सर, एक चीज बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है, अगर याद आ रहा हो तो थोड़ा सा। अच्छा, एक बच्चे ने बोला सारी कंपनी जो है वो सब्सिडरी हैं किसकी, ए की। अभी चेक करते हैं, ऐसा नहीं है कि सारी कंपनी सब्सिडरीज हैं ए की या नहीं। ठीक है, राहुल सिंह सर मेरी फर्स्ट क्लास है। बेटा फर्स्ट क्लास है तो फिर अभी ये वाली क्लास अटेंड मत कर, अभी आप जाओ और पहले, इससे पहले वाले जो 3 लेक्चर देना, पहले आप वो देखो, क्योंकि ये आज वाला आपको कुछ भी समझ में ही नहीं आएगा। मतलब इट विल बी लाइक कि, क्योंकि ये बीच में है टॉपिक। ठीक है, तो पहले वो 3 क्लासेस आप कंप्लीट कीजिए, क्योंकि लास्ट क्लास से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है ये वाली क्लास, और लास्ट क्लास उससे कनेक्टेड है उससे पहले वाली क्लास से। सो मेक श्योर कि आप वो वाली 3 क्लासेस करके बैठे हैं। ठीक है, अगर अभी नहीं हुई है तो पहले फिर आप वो वाली कर दीजिए। ठीक, चलो इधर आओ। सर एक चीज बताओ, जो ये बी लिमिटेड है, बी लिमिटेड जो बी लिमिटेड है, क्या मैं बोलूं बी लिमिटेड में ए लिमिटेड का 60% वोटिंग पावर है, तो मोर देन 50 है, तो बी इज सब्सिडरी ऑफ ए, यानी कि ये सब्सिडरी है ए की। ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, फिर जो सी लिमिटेड है, सी लिमिटेड में बी लिमिटेड का 65% वोटिंग पावर है, यानी सी इज द सब्सिडरी ऑफ बी, तो यानी मैं लिखूंगा इट इज सब्सिडरी ऑफ बी। अब क्योंकि मैंने चेन होल्डिंग रिलेशनशिप बताया था कि ए की सब्सिडरी कौन है बी, और बी की सब्सिडरी कौन है सी, तो इसका मतलब सी भी किसकी सब्सिडरी हो गई, ए की, तो हम यह लिखेंगे सब्सिडरी कंपनी ऑफ ए ऑल्सो, यानी सी जो है ये ए की भी क्या है, सब्सिडरी है। बोलो ना। हाँ हाँ सर, हाँ जी, ये जो सी है ये सब्सिडरी है बी की, और बी सब्सिडरी है ए की, तो इसका मतलब सी सब्सिडरी है ए की। ओके सर, अच्छा सी जो है इसका डी में 64% वोटिंग पावर है, यानी मोर देन 50% है, तो डी जो होगा ये सब्सिडरी कंपनी होगा बी की। क्यों सर, ये तो सी की सब्सिडरी होगा ना। अरे तो लल्लू, सी बी की सब्सिडरी है और डी सी की सब्सिडरी है, तो चेन होल्डिंग बन गया ना, तो यानी कि डी बी की भी सब्सिडरी है और डी सी की भी सब्सिडरी है, और सर इस हिसाब से तो डी ए की भी सब्सिडरी है, पर यहां पे मैं एक स्टार मार्क कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, वो मैं अभी बाद में बताऊंगा, आगे आओ। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ सर, इसके बाद अगर हम बात करते हैं एफ लिमिटेड की, क्या एफ लिमिटेड ए लिमिटेड की सब्सिडरी है? हाँ बिल्कुल है सर, एफ लिमिटेड ए लिमिटेड की सब्सिडरी बिल्कुल है सर। स्क्रीन शो नहीं हो रही? स्क्रीन तो हो रही है शो, स्क्रीन हो रही है ना तुम लोग को, शो तुम लोग को स्क्रीन दिख रही है, तुम लोग को आवाज आ रही है,
इज ऑडियो वीडियो क्लियर टू यू? जल्दी से बताओ सर। एफ लिमिटेड में ए लिमिटेड का कंट्रोल है, क्या है? कंट्रोल है। तो एफ लिमिटेड को भी मैं क्या बोलूंगा? सब्सिडरी कंपनी ऑफ ए। एफ जो है ये सब्सिडरी है ए की। जी जो है ये भी सब्सिडरी कंपनी है किसकी? एफ की। अब फिर वही चेन होल्डिंग बनेगा, क्योंकि एफ की सब्सिडरी है जी और एफ खुद सब्सिडरी है ए का, तो यानी जी इज ऑल्सो सब्सिडरी ऑफ ए, तो मैं लिखूंगा सब्सिडरी कंपनी ऑफ ए। सिमिलरली एच जो है, एच जो होगा ये सब्सिडरी कंपनी होगा जी की, और एच चेन होल्डिंग की वजह से सब्सिडरी कंपनी होगा एफ की, और चेन होल्डिंग की वजह से तुमको लग रहा है कि एच जो है वो सब्सिडरी कंपनी है किसकी? ए की भी। पर मैं यहां पर फिर एक स्टार मार्क कर रहा हूं, पर मैं यहां पर फिर एक स्टार मार्क कर रहा हूं। अच्छा, जो मैं लिख रहा हूं वो तुम्हें शो नहीं हो रहा? ओ ओ ओ, ओ ये देखो, शिट शिट शिट, ऐसा कैसे? रुको रुको रुको, एक मिनट रुको, विच इज पॉसिबल। अब देखो, अब हुआ, वो पता नहीं स्क्रीन फ्रीज हो गई थी। देखो आगे चलो, तो सर इस हिसाब से एच जो है वो सब्सिडरी हो गया जी की, एफ की, बट मैंने बोला ए की सब्सिडरी अभी चेन होल्डिंग के हिसाब से लग रहा है, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि ये जो एच है ये जी की सब्सिडरी है, जी एफ की सब्सिडरी है, तो एच एफ एफ की भी सब्सिडरी हो गया। अच्छा, जी जो है ये एफ की सब्सिडरी है, एफ ए की सब्सिडरी है, तो जी ए की भी सब्सिडरी हुआ, और इस हिसाब से एच भी ए की सब्सिडरी हुआ। बट ये जो एच एच ए की सब्सिडरी है, मैंने बोला इसमें थोड़ा सा कुछ लोचा है, वो मैं अभी बताऊंगा कि क्या लोचा है, इसलिए मैंने वहां पे क्या कर दिया, स्टार मार्क कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। अब आगे आते हैं, एक चीज और बताओ, ये जो ई लिमिटेड है, ई लिमिटेड ये किसी की सब्सिडरी है? क्या ये किसी की सब्सिडरी है? इज ई लिमिटेड, इज ई लिमिटेड सब्सिडरी ऑफ एनी कंपनी? क्या ई लिमिटेड किसी की भी सब्सिडरी है, ये बता दो मेरे को फटाफट। क्या ई लिमिटेड किसी की भी सब्सिडरी है? सर कैसे? देखो, जो डी लिमिटेड है इसका ई लिमिटेड में सिर्फ कितना परसेंट वोटिंग पावर है? 20। तो ये किसी की सब्सिडरी नहीं है। ओके सर, अगर मैं ए को भी देखता हूं तो ए का डायरेक्टली कोई ई लिमिटेड में होल्डिंग है ही नहीं, और थ्रू सब्सिडरी वो सिर्फ 20% होल्ड करता है। तो मैं बोलूंगा ई किसी की भी सब्सिडरी नहीं है, ना तो डी की है, ना सी की है, ना बी की है, ना ए की है। ई लिमिटेड इज नॉट सब्सिडरी ऑफ एनी कंपनी। सर ई लिमिटेड किसी की सब्सिडरी कंपनी नहीं है। ई लिमिटेड अभी भी तुमको स्क्रीन शो नहीं हो रही, अब तो दिख रही है ना? ई लिमिटेड किसी की भी सब्सिडरी कंपनी नहीं है। सर ई लिमिटेड का एच लिमिटेड में भी कितना, मतलब एच का भी ई में कितना है? 42% है। एच का भी ई में कितना है? 42% है। और एक चीज देखो, जो ई लिमिटेड है ये करण लिमिटेड में कितना होल्ड करती है? 31। और ए लिमिटेड खुद जो है ये करण लिमिटेड में कितना होल्ड करता है? 20। तो आपको लग रहा होगा मिला के 51% हो गया, दैट इज मोर देन 50। तो इस हिसाब से करण लिमिटेड भी जो ए लिमिटेड की है सब्सिडरी बननी चाहिए, पर नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि रूल क्या होता था, या तो आप खुद होल्ड करते हो या फिर आप थ्रू अपने सब्सिडरी जो होल्ड करते हो वो ऐड होगा। अब एक तरीके से जो ई है वो ए की सब्सिडरी बनी ही नहीं। अगर ई जो है वो ए की सब्सिडरी बन जाती तो फिर ई जितना करण में होल्ड करती और ए करण में जितना होल्ड कर रहा है वो दोनों क्लब हो जाते, पर यहां क्लबिंग नहीं होगी, यहां आप उसको ऐड नहीं करोगे, यहां आप उसको ऐड नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं यहां पे। अगर मान लीजिए ए कंपनी जो है वो करण लिमिटेड में 20% वोटिंग पावर होल्ड करती है, ये सेम रखते हैं, और जो ये बी लिमिटेड है ना, बी लिमिटेड ये भी करण लिमिटेड में मान लो फॉर एग्जाम्पल 31% होल्ड करता है, तो फिर क्या करण लिमिटेड ए लिमिटेड की सब्सिडरी बन जाएगा? यस सर, फिर बन जाएगा, क्योंकि ए लिमिटेड खुद 20% वोटिंग पावर होल्ड कर रहा है और थ्रू इट्स सब्सिडरी 31 होल्ड कर रहा है, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 51%, दैट इज मोर देन 50%, वो 50 से ऊपर जाएगा। तो जैसे 50 से ऊपर जाएगा फिर करण लिमिटेड क्या बन जाता? सब्सिडरी ऑफ ए लिमिटेड, बट अभी नहीं बनेगा। क्लियर हो गया? जल्दी बोलो, अभी तुमको एकदम कहानी क्लियर है? फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। डन 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 डन, एकदम बढ़िया हो गया। अभी समझ में आ गया क्या आंसर है इसका? ठीक है, बट एक चीज यहां पर जो मैं ये वाली चीज स्टार मार्क कर रहा हूं ना, ये अभी अपने को समझनी है। ठीक है, ये अभी अपने को समझनी है।
लक्ष्य सिंह मैंने क्वेश्चन ही गलत लिया था ना लायक। चलो देखो ये क्वेश्चन सर आपने दो क्वेश्चन अभी इनको बाद में देखेंगे, तुम्हारे लिए कुछ एकदम मसालेदार क्वेश्चन लेके आऊं मैं दो, ठीक है इसको लास्ट पे देखेंगे। सेकंड वाले में चेन रिलेशन फॉलो क्यों नहीं हुआ, कौन से वाले बेटा? सेकंड वाले में चेन रिलेशन फॉलो हुआ तो है, कहां नहीं हुआ, कहां नहीं हुआ? चेन रिलेशन तो फॉलो हुआ है, ये रहा। बी जो है ये सब्सिडरी है ए की, सी बी की सब्सिडरी तो सी ए की भी सब्सिडरी है, डी सी की सब्सिडरी है, डी बी की भी सब्सिडरी है, डी ए की भी सब्सिडरी है, पर मैंने ये लिखा यहां पे। फिर इसके बाद मैंने बोला एफ जो है ये ए की सब्सिडरी है, जी जो है ये एफ की सब्सिडरी है, ए की भी सब्सिडरी है, एच जो है वो जी की सब्सिडरी है, एफ की भी सब्सिडरी है, एच ए की भी सब्सिडरी है, पर ये मैंने लिखा है यहां पे। चेन रिलेशनशिप तो फॉलो हो रहा है, ठीक है क्लियर है ना, राइट वाले साइड में हो तो रहा है बेटा। ये तो लिखा देख, जी जो है वो एफ की भी सब्सिडरी है, ए की भी है, एफ जो है वो ए की है, और एच जो है वो जी की है, एफ की और ए की है, पर ये वाले में मैंने एक स्टार मार्क किया हुआ। हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, ठीक है हो रहा है, हो रहा है। एक काम कर, अभी सुबह सुबह मेरे को लग रहा है उठा आके ऐसे खुली नहीं है पूरी, तो थोड़ी सी चाय पी ले, ठीक है। चलो आगे आओ, ये क्वेश्चंस को भी हम बाद में देखेंगे। अब सर एक बार बताओ, लिखो यहां पर और मेरे साथ साथ लिखना स्टार्ट करो। कि सर आपने ना हमें एक चेन होल्डिंग रिलेशनशिप पढ़ाया था, चेन होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप, ये पढ़ाया था चेन होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप। सर डी लिमिटेड इज हैविंग 20% इन ई, ओहो अरे आगे बढ़ो इस क्वेश्चन से नालायकों। डी लिमिटेड इज हैविंग 20% इन ई लिमिटेड, डी लिमिटेड का ई लिमिटेड में 20 है, हाँ ओके है। एच इज हैविंग 42% इन ई लिमिटेड, एच इज हैविंग 42 इन ई लिमिटेड, ओके। एच इज सब्सिडरी ऑफ ए, ओके ठीक है आगे। एच इज सब्सिडरी ऑफ ए, सो वी कैन एड 42 एंड 20, तो सर इस हिसाब से हम 42 और 20 को क्लब कर सकते हैं। क्यों 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 काहे 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 भाई, ये जो डी लिमिटेड है ये सब्सिडरी है किसकी, ए की, और इसकी एक सब्सिडरी होल्ड करती है ई में 20, और एच भी जो है ये भी इसकी एक सब्सिडरी है, ये भी इसमें होल्ड करती है 42, ठीक है। फिर इन दोनों का मिला के आप बोल रहे हो 62, क्योंकि चेन रिलेशनशिप बना तो आपको ऐसा लग रहा है कि 62 हो जाएगा, और फिर वो अपनी सब्सिडरीज के थ्रू उसमें 62 होल्ड कर रहा है तो वो मोर देन 50 हो जाएगा, तो फिर ये भी इसकी सब्सिडरी बन जाएगी। पर मैंने तभी तो यहां स्टार मार्क किया हुआ है, अभी एक चीज सिखाऊंगा ना सर, कितने गंदे हो आप। आपने तो हमें आधी ही चीज सिखाई और आप हमसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो हमको तो यही लगेगा ना, यहां तो यही आना चाहिए। ठीक है इधर आओ, कुछ भी बोलते हैं ना लायक, चलो कोई नहीं इधर आओ। चेन होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप सुनो, इसमें तुम्हें मैंने क्या पढ़ाया, चेन होल्डिंग में क्या होता है कि हमारी सब्सिडरी की सब्सिडरी कंपनी जो होती है वो हमारी सब्सिडरी होती है, हैं सर दोबारा बोलना क्या बोला है, हमारी सब्सिडी की सब्सिडी, हमारी सब्सिडी मेरी सब्सिडी की सब्सिडी, मेरी सब्सिडरी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी, मेरी भी क्या होगी सब्सिडरी कंपनी होगी, ये तो पढ़ा, बोलो ना। हाँ मान लो फॉर एग्जाम्पल है एक कंपनी ए लिमिटेड, ए लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है बी लिमिटेड, बी लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है सी लिमिटेड, तो मुझे बताओ सी लिमिटेड ए की सब्सिडरी है या नहीं है, क्या सी लिमिटेड ए लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है या नहीं है, जल्दी जल्दी बताओ सी लिमिटेड ए लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है या नहीं है, हाँ है सर है, बिकॉज ऑफ चेन होल्डिंग रिलेशनशिप, बिकॉज ऑफ चेन होल्डिंग रिलेशनशिप। अच्छा इसके बाद मान लो जो डी लिमिटेड है, जो क्या है डी लिमिटेड है, क्या ये डी लिमिटेड भी ए लिमिटेड की सब्सिडरी होगी, मान लो ये डी सी की भी सब्सिडरी है, जल्दी बताओ क्या ये जो डी लिमिटेड है क्या ये ए लिमिटेड की भी सब्सिडरी होगी, अकॉर्डिंग टू यू जितना अभी तक आपने पढ़ा है वो मेरे को पढ़ के बताओ, क्या डी लिमिटेड ए लिमिटेड की सब्सिडरी होगी, मान लो ए का बी में 60% वोटिंग पावर है, बी का सी में 58% वोटिंग पावर है, सी का डी में
61% वोटिंग पावर है, आई एम आस्किंग डी लिमिटेड ए लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है या नहीं है? इज डी लिमिटेड ए लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी सर, हां या ना? डी ए की सब्सिडरी है या नहीं है? जितना अभी तक आपने पढ़ रखा है मैं उसके हिसाब से आंसर पूछ रहा हूं। द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। ठीक है, अभी तक तो सर हमको यही लग रहा है, आंसर इज एब्सोल्युटली यस। ठीक है, अभी तक वी आर फाइंडिंग आंसर इज यस। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, हुआ क्या, हुआ क्या, हुआ ये, हुआ ये, एक रूल लिखो। तुमको याद है एक प्रोवाइजो हम ऊपर छोड़ के आए हैं, एक प्रोवाइजो हम ऊपर छोड़ के आए हैं, ये प्रोवाइजो पढ़ लो जरा जल्दी से, ये प्रोवाइजो पढ़ लो। आशुतोष इज सेइंग नो, ओके, आशुतोष को आंसर पता है मेरे को लग रहा है। एक प्रोवाइजो हम ऊपर छोड़ के आए हैं सर, और वो जो प्रोवाइजो है ना, वो जो प्रोवाइजो है वो ये बोलता है, प्रोवाइडेड दैट सच क्लास ऑफ होल्डिंग कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड शैल नॉट हैव लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज बियॉन्ड सच नंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब इसका मतलब क्या होता है सुनना आराम से। सर इसने बोला, पहले तो आप हमें ये समझाओ लेयर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। आप मुझे ये सामने जो एग्जाम्पल बना हुआ है ना आपके, आप मुझे ये बताओ इसमें कितनी लेयर्स हैं, हाउ मेनी लेयर्स ऑफ दिस, हाउ मेनी लेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनीज आर देयर इन दिस एग्जाम्पल, इसमें कितनी लेयर्स हैं? इसमें कितनी लेयर्स हैं जल्दी बोलो, इसमें सर कितनी लेयर्स हैं? सर इसमें एक लेयर है ये वाली, दिस इज लेयर नंबर वन, दिस इज लेयर नंबर टू एंड दिस इज लेयर नंबर थ्री। इसमें तीन लेयर्स हैं, कितनी लेयर्स हैं? तीन। सर इसमें तीन लेयर्स हैं, इसमें कितनी लेयर्स हैं? सर तीन लेयर्स हैं। सर इसमें लेयर नंबर वन है, लेयर नंबर टू है और लेयर नंबर थ्री है। तो यहां पर एक रूल लाया गया और वो रूल था, लिखो, रूल था अंडर रूल कंपनीज, जल्दी लिखो, कंपनीज रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ लेयर रूल्स 2017। सर कंपनीज रेस्ट्रिक्शन ऑफ नंबर ऑफ लेयर रूल्स 2017, 20th September 2017, डेट याद रहे कोई बात नहीं, ना याद रहे तो भी कोई बात नहीं, ठीक है, कोई पेपर में डेट लिख के नहीं आनी है, मेनली बस इतना ध्यान रखना जो प्रोविजन बता रहा हूं। सर 20 सितंबर 2017 को एक रूल लाया गया और ये बोला गया कि अब से, आज से भारत में कोई भी कंपनी की जो सब्सिडरी की लेयर्स बनेगी वो मैक्सिमम दो लेयर हो सकती है, यानी आप दो लेयर से ज्यादा सब्सिडरी कंपनी नहीं रखोगे। पहले क्या होता था, पहले लोग टैक्स इवेड करने के चक्कर में क्या करते थे, सब्सिडरी की लेयर्स बना देते थे, मतलब क्या हो गया, अपना काम बांट दिया, सब्सिडरी बना दी, फिर उसकी भी सब्सिडरी, उसकी भी सब्सिडरी, उसकी भी सब्सिडरी, समझ गए, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, चेन होल्डिंग चल रहा है, तो मैं 10 सब्सिडरी भी बना दूंगा अपने नीचे तो वो जो 10th वाली लेयर पे सब्सिडरी होगी वो भी मेरी क्या कहलाएगी, सब्सिडरी, और मैं उसे कंट्रोल कर पाऊंगा। तो मैंने अपनी सब्सिडी बनाई, सब्सिडी की भी सब्सिडी, और ऐसे करके पता नहीं 100-150 लेयर भी बना दी और वो स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स हो गया कि उसमें इवेजन होने लग गया और अल्टीमेटली बिजनेस आप ही का चल रहा है क्योंकि कंट्रोल आप ही का रहता था। तो इन्होंने इस चीज को पकड़ लिया और 20th सितंबर 2017 में ये रूल बदला गया और रूल लाकर एक चीज रेस्ट्रिक्ट कर दी कि भैया मैक्सिमम जो सब्सिडरी की लेयर हो सकती है ना वो कितनी हो सकती है, दो, वो सिर्फ कितनी हो सकती है, दो। हालांकि अपने सिलेबस में ये चीज नहीं है बट मैं तुमको एक चीज और क्लैरिफाई करता हूं, चार कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके लिए ये लेयर वाला रेस्ट्रिक्शन नहीं लगता है। मतलब अब देखो हम लोग ना कुछ कुछ चीजें नहीं भी पढ़ेंगे बिकॉज सब चीज बिल्कुल ऐसा, सारे भी रूल्स नहीं है तो कुछ चीज अपने सिलेबस में नहीं डाली हुई है, बट मैं जस्ट फॉर नॉलेज बता रहा हूं कि देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कंपनीज जिसके लिए ये टू लेयर्स वाला रिस्ट्रिक्शन कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। बट बाकी उन्होंने बोला इंडिया में कोई भी कंपनी जो रहेगी ना वो कंपनी जब अपनी सब्सिडरी की लेयर्स बनाएगी तो मैक्सिमम लेयर कितनी हो सकती है, दो, दो से ज्यादा लेयर आपकी नहीं हो सकती। ठीक है सर, अगर मान लो पहले वाली चली आ रही है तो वो चलने तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अब आज के बाद से कोई भी कंपनी अगर मान लो लेयर बनाएगी तो वो दो से ऊपर नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसको लिखो यहां पर, ऑन एंड फ्रॉम डेट, जल्दी लिखो, ऑन एंड फ्रॉम डेट, कौन सी डेट सर, ये 20 सितंबर 2017, 20th सितंबर 2017, नो कंपनी, अब लैंग्वेज देखना और तुम समझने की कोशिश करना, नो कंपनी अदर देन, नो कंपनी अदर देन, नो कंपनी अदर देन अ कंपनी,
नो कंपनी अदर देन अ कंपनी मेंशन्ड इन सब रूल टू. ये जो मैं लिख रहा हूं ये रूल वन की लैंग्वेज है, मतलब सब रूल वन की लैंग्वेज है. नो कंपनी अदर देन मेंशन्ड इन सब रूल टू शैल हैव मोर देन टू लेयर्स ऑफ सब्सिडियरी, शैल हैव मोर देन टू लेयर्स ऑफ सब्सिडियरी. सर क्या मतलब हुआ? नो कंपनी, आप इसको ऐसे पढ़ो, नो कंपनी शैल हैव मोर देन टू लेयर ऑफ सब्सिडियरी. कोई भी कंपनी दो लेयर से ज्यादा सब्सिडियरी नहीं बनाएगी. अदर देन मेंशन इन सब रूल टू, यानी जो सब रूल टू में मेंशन है उसे छोड़ दो, उनके अलावा कोई भी कंपनी जो होगी वो दो से ज्यादा सब्सिडियरी की लेयर नहीं बना सकती. सर सब रूल टू में क्या मेंशन है? सब रूल टू में वो चार कंपनी मेंशन है. सब रूल टू में वो चार कंपनी लिखी हुई है कि इन चार कंपनी को कितनी भी लेयर बनाना क्या होगा? अलाउड होगा. सर वो चार कंपनी वैसी बता दो ना नॉलेज के लिए कौन सी है, तो यहां मैं ऐसे लिख देता हूं जस्ट फॉर नॉलेज, जस्ट फॉर नॉलेज. सर वो चार कंपनी कौन सी है? वो चार कंपनी है आपकी ए बैंकिंग कंपनी, दूसरा इंश्योरेंस कंपनी, थर्ड गवर्नमेंट कंपनी एंड फोर्थ इज एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी. ये चार के लिए आपकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी. आप ये चार कंपनी कितनी भी लेयर बनाए तो चलेगा, ये चार कंपनी कितनी भी लेयर बनाए तो चलेगा. हालांकि देखो ये रूल पूरा नहीं है, बस मेरे को तुम्हें वो प्रोवाइजो समझाना था तो मुझे ये रूल समझाना पड़ा, ठीक है. बट ये रूल पूरा अपन ने सिलेबस में नहीं है, इसमें एक अभी इसमें भी अभी एक प्रोवाइजो है, मतलब इस रूल में भी अभी एक प्रोवाइजो है जो एक एक्सेप्शन क्रिएट करता है. बट हमको इतना नहीं पढ़ना, ठीक है, इतना डेप्थ में नहीं जाना, जो है नहीं उसको अपन नहीं उठाएंगे, ठीक. फिर भी तुमको रहे सर मेरे को बताना ना, तो किसी दिन बैठेंगे फुल तसल्ली से तुमको सब पढ़ा देंगे, ठीक है, जो तुम बोलोगे सर और सिलेबस से और ज्यादा पढ़ा दो तो भी पढ़ा देंगे, ठीक है. सुनो, सो ऑन एंड फ्रॉम दिस डेट मैक्सिमम आपकी सब्सिडियरी की लेयर कितनी हो जाएगी? दो. तो अकॉर्डिंगली टू दैट, अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या डी लिमिटेड जो है ये ए लिमिटेड की सब्सिडियरी है? तो मैं बोलूंगा डी इज नॉट सब्सिडियरी ऑफ ए. अकॉर्डिंगली डी इज नॉट सब्सिडियरी ऑफ ए, क्योंकि वो लेयर से ज्यादा है. देखो दिस इज लेयर नंबर वन, यहां लेयर वन कंप्लीट हो जाएगी तो ये एक सब्सिडियरी हो जाएगी, यहां आपकी लेयर नंबर टू हो जाएगी तो क्या ये एक सब्सिडियरी हो जाएगी. बट डी जो होगा वो आपका सब्सिडियरी कंपनी नहीं माना जाएगा, बिकॉज वहां पर जो सब्सिडियरी कंपनी है उसकी लेयर जो है वो रिस्ट्रिक्शन को क्रॉस कर रही है और लेयर जो है वो दो से ज्यादा हो रही है. बोल दो, ठीक है, ठीक है बेटा, चले आगे. डन डना डन डन. चलो एक चीज बताना, कुछ एक दो चीजें पूछ लेता हूं उसके बाद आगे बढ़ते हैं. एक बात बताओ, मान लो एक कंपनी है, एग्जाम्पल मान लो एक कंपनी है करण लिमिटेड और इसकी चार सब्सिडियरी हैं S1, S2, S3, S4, S1 लिमिटेड, S2 लिमिटेड, S3 लिमिटेड और S4 लिमिटेड, ठीक है. मान लो इसमें मेरा 61% वोटिंग पावर है, इसमें 58% वोटिंग पावर है, इसमें 63% वोटिंग पावर है और इसमें 60% वोटिंग पावर है. मुझे एक चीज बताओ, ये कितनी लेयर है? आप मुझे सोच के बताओ कि ये कितनी लेयर्स हैं, ये कितनी लेयर्स हैं. एंड आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन हूएवर इज वॉचिंग अभी लाइव में, तो एटलीस्ट आप मुझे सोच के बताओ इसमें कितनी लेयर्स हैं. How many layers is this? और ये allowed है या नहीं है? Okay, I got one correct answer, one wrong answer, again one correct answer. लक्ष्य बोल रहा है कोई layer ही नहीं है. बहुत ही बढ़िया, इससे अच्छा तो answer ही नहीं हो सकता, नालायक. ठीक है, this is one layer or four layers. देखो दो ही answer है, या तो ये एक layer है या चार layer है. तो ये एक layer है या चार layer है? Answer is, आंसर इज ये एक लेयर है या चार लेयर है. अरे चेन रिलेशन की लल्लू इधर सुन, कह रहे चेन रिलेशन नहीं है. एक लेयर है क्या? इसके नीचे एक सब्सिडियरी की लेयर बन गई है, इसके नीचे चार सब्सिडियरीज की लेयर बन गई है. दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग. चेन रिलेशन नहीं है वो मुझे भी पता अभी नहीं है. दिस इज वन लेयर और फोर लेयर. सर आंसर दिस इज
वन लेयर, ये अभी एक लेवल क्रिएट हुआ है। अब इसके नीचे मान लो कोई और सब्सिडरी बनती है S5, तो ये कौन सा हो जाएगा, सेकंड लेयर। फिर इसके बाद आप सोच रहे हो कि मैं और उसके नीचे भी एक और कंपनी बनाऊंगा, तो फिर वो क्या बन जाएगी, थर्ड लेयर। ये चार लेयर नहीं बोलेंगे, दिस इज वन लेयर, ठीक है, तो हम बोलेंगे दिस इज वन लेयर। बट अगर अब मैं ऐसे बोलूंगा, एग्जाम्पल टू, के लिमिटेड का 60% वोटिंग पावर है एस लिमिटेड में, और एस लिमिटेड का 53% वोटिंग पावर है जेड लिमिटेड में, तो अब यहां पर चार लेयर, दो लेयर है या एक लेयर है, या कितनी लेयर है सर? अब यहां पर जो है ना, यहां पर वन लेयर है। तो ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखना बस, कि ये लेयर वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है? तो बस ये वो प्रोवाइजो रह रहा था कि रेस्ट्रिक्शन आपको ध्यान में रखनी है, कोई भी होल्डिंग कंपनी जो होगी वो दो से ज्यादा सब्सिडरी क्लियर नहीं बना पाएगी, एक्सेप्ट वो चार कंपनीज हैं कुछ जो रूल में डाली हुई है, जिन्होंने जिनको एक्सेप्शन मिली हुई है, वो चार कंपनीज के केस में क्या हो सकता है कि दो से ज्यादा लेयर भी बन सकती है। बोलो या हाँ या ना। यस सर, डंडना डंडन, आगे लिखेंगे। अब एक चीज सुनना, एक चीज और सुनो, बस ये लास्ट चीज है, इसके बाद सब्सिडरी की डेफिनेशन खत्म हो जाएगी और इसको करेक्ट करेंगे विद द डेफिनेशन ऑफ द पब्लिक कंपनी, ठीक है? आ जाओ सर, एक चीज हमें बताओ, एक चीज हमें बताओ कि क्या सब्सिडरी की डेफिनेशन पूरी हो गई? हमने वोटिंग पावर पढ़ लिया, हमने कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करना सीख लिया, ठीक है, और हमने प्रोवाइजो भी सीख लिया, वो एक्सप्लेनेशन भी सीख ली, सब सीख लिया। बट सर एक चीज बताओ, क्या सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है? बस एक लास्ट सर्कुलर रह रहा है, वो और लिख लो, उसके बाद अपन फिनिश करेंगे किसको, सब्सिडरी कंपनी को, देन वी विल कनेक्ट दिस विद द पब्लिक कंपनी, उसके बाद ये भयंकर कनेक्ट होगा विद द पब्लिक कंपनी, ठीक। एग्जांपल नंबर टू में कुछ भी नहीं है, ये इसमें 60 होल्ड करता है, ये इसमें 53 होल्ड करता है, तो ये इसकी सब्सिडरी हुई, दिस इज लेयर वन, ये इसकी सब्सिडरी हुई, दिस इज लेयर टू, ओए सॉरी सॉरी, दिस इज टू लेयर्स, ये दो लेयर्स है, सॉरी सॉरी, ठीक है, आ गया, ध्यान से चलो एक एमसी का सर्कुलर लिखो, एक लास्ट सर्कुलर एमसी का, उसके बाद ये खत्म, लिखो सर। एमसीए का एक सर्कुलर आया, वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीए का एक सर्कुलर आया और एमसीए ने वो सर्कुलर लाके क्लैरिफाई किया, क्या क्लैरिफाई किया, एमसीए क्लैरिफाइज दैट, एमसीए क्लैरिफाइज दैट shares held by a shares held by a company in another company in a, अब जो लिखने जा रहा हूं important है, in a फिड्यूशरी कैपेसिटी, इन अ फिड्यूशरी कैपेसिटी, दिस इज इंपॉर्टेंट, बस यही वर्ड इंपॉर्टेंट है इसके लिए, इन अ फिड्यूशरी कैपेसिटी शैल नॉट बी काउंटेड, शैल नॉट बी काउंटेड, शैल नॉट बी काउंटेड फॉर डिटरमाइनिंग होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप, फॉर डिटरमाइनिंग होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप। सर सर बोलो ना सर, एक चीज बताओ, आप ये बोले ये फिड्यूशरी कैपेसिटी क्या होती है, तो इसको एक एग्जांपल से समझा दूं कि फिड्यूशरी कैपेसिटी क्या होती है, अभी समझने के लिए यहां पर लिखो, फिड्यूशरी कैपेसिटी मीन जस्ट लाइक अ ट्रस्टी, जस्ट लाइक अ ट्रस्टी, सो फिड्यूशरी कैपेसिटी मीन्स जस्ट लाइक अ ट्रस्टी। सर एमसीए ने एक सर्कुलर लाया और एमसीए सर्कुलर लाके बोला कि अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी में फिड्यूशरी कैपेसिटी में शेयर होल्ड करती है, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में फिड्यूशरी कैपेसिटी में शेयर होल्ड करती है, सर कौन सी कंपनी की बात हो रही है, इधर देखो, एक कंपनी अनदर कंपनी में होल्ड कर रही है, तो फिर दोबारा बोलो जो होल्ड करती है वो कौन होती है, होल्डिंग, तो यानी ये कौन सी कंपनी की बात हो रही है, होल्डिंग कंपनी की, और ये जो अनदर कंपनी है ये किसकी बात हो रही है, सब्सिडरी कंपनी की। यानी मैं ऐसे बोलता हूं, अगर कोई होल्डिंग कंपनी किसी सब्सिडरी कंपनी में शेयर तो होल्ड करती है बट वो फिड्यूशरी कैपेसिटी में होल्ड करती है, तो हम वो वाली परसेंटेज ऑफ होल्डिंग को सब्सिडरी होल्डिंग निकालने के लिए काउंट नहीं करेंगे। दोबारा बोलता हूं,
एक होल्डिंग कंपनी है, एक सब्सिडियरी कंपनी है। होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी में लेट्स से 58% शेयर्स होल्ड करती है, तो मैंने बोला, आप बोलोगे कि सर 58% होल्ड करती है ना, तो इस हिसाब से तो फिर ये होल्डिंग सब्सिडियरी हो गए दोनों आपस में। मान लो ए जो है वो बी में 58 होल्ड कर रहा है, तो ए होल्डिंग हो गया और बी सब्सिडियरी हो गया। पर अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड में 58 होल्ड करता है, पर मैं उसमें से बोलूं कि उसमें से 10% वो फिड्यूशरी कैपेसिटी में होल्ड करता है, तो फिर वो 10% जो है लिमिट में काउंट नहीं होंगे, मतलब आप 10% को वो काउंट ही नहीं करोगे और आपका रिमेनिंग कितना रह गया 48। तो इस हिसाब से माना जाएगा ए जो है वो बी में सिर्फ कितना होल्ड करता है 48, और उस अकॉर्डिंगली सब्सिडियरी होल्डिंग रिलेशनशिप नहीं बनेगा। सर ये मुद्दे की बात है, ये बताओ कि ये फिड्यूशरी कैपेसिटी क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फिड्यूशरी कैपेसिटी। फिड्यूशरी कैपेसिटी का मतलब होता है कि आप सिर्फ उसको एज अ ट्रस्टी होल्ड करते हो, मतलब उन शेयर्स का रजिस्टर्ड ऑनर मैं हूं, मतलब वो रजिस्टर्ड मेरे नाम में है, खरीदे मैंने हैं मेरे नाम में, बट उसका बेनिफिशियल ऑनर कोई ऑन है और कोई और है। फॉर एग्जाम्पल सर, एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। इधर देखो, जैसे मान लो, मुझे जल्दी जल्दी बताना ठीक है, जैसे जैसे एग्जाम्पल मैं लिखता जाऊंगा स्क्रीन पे, आपको मेरे को आंसर देते रहना है कि ये होल्डिंग है नहीं है, सब्सिडियरी है या नहीं है। जो लास्ट वाला ये वाला पॉइंट जहां पे आएगा ना, ये वाला जो पॉइंट आएगा जहां पे, तो ये वाला पॉइंट जहां आएगा वो मैं तुमको रोक दूंगा वहीं पे, ठीक है। चलो मान लो एक कंपनी है, उसका नाम है हरी लिमिटेड, एक कंपनी है उसका नाम है हरी लिमिटेड, एक कंपनी है उसका नाम है श्याम लिमिटेड, और एक कंपनी है उसका नाम है आरव लिमिटेड। जो ये हरी लिमिटेड है, इसका श्याम लिमिटेड में लेट से, इसका श्याम लिमिटेड में लेट से सर 40% वोटिंग पावर है, ठीक है। और जो आरव लिमिटेड है, इसमें हरी लिमिटेड का 58% वोटिंग पावर है, ठीक। और ये जो आरव लिमिटेड है, इसका इस श्याम लिमिटेड में 12% वोटिंग पावर है। मुझे बताओ कौन किसकी सब्सिडियरी है, जल्दी से सिर्फ 10 सेकंड लेके मुझे ये बता दो कौन किसकी सब्सिडियरी है, सिर्फ 10 सेकंड लेके। दो ही क्वेश्चन है यहां पर, आरव हरी की सब्सिडियरी है या नहीं है, आंसर इज यस सर, ठीक है, कोई इस पे दोबारा टाइम लगाने वाली बात नहीं है। इसका इसमें 58% वोटिंग पावर है, तो आरव लिमिटेड इज द सब्सिडियरी कंपनी ऑफ हरी लिमिटेड। आरव लिमिटेड जो है ये हरी लिमिटेड की क्या है, सब्सिडियरी कंपनी है। जो श्याम लिमिटेड है सर, श्याम लिमिटेड भी हरी लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी है। अरे कैसे सर, कैसे भाई, इसका डायरेक्टली होल्डिंग कितना 40, और अपने सब्सिडियरी के थ्रू ये कितना होल्ड करता है 12, जल्दी बताओ हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना। क्या श्याम लिमिटेड हरी लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी है या नहीं है, है सर? जो श्याम लिमिटेड है ये हरी लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी है, क्यों है, क्योंकि सर यहां पर वो थ्रू आरब हो जाएगा ना, वो खुद और थ्रू इट्स सब्सिडियरी खुद होल्ड करता है 40 एंड थ्रू इट्स सब्सिडियरी होल्ड करता है कितना 12, तो 52 हो गया, तो 52 हो गया। अब मुझे एक चीज सोच के बताओ, मान लो मैं तुमको अब यहां पर सिखाता हूं फिड्यूशरी कैपेसिटी क्या होता है। मान लो कि कोई एक पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर सैम, ये जो मिस्टर सैम है इसने हरी लिमिटेड को फंड्स दिए और इसने हरी लिमिटेड को बोला कि तुम आगे श्याम लिमिटेड में पैसे लगाओ और शेयर्स खरीदो, और इसने पैसे दिए लेट से 5% के, इसने पैसे दिए कितने 5% के, इसने पैसे दिए 5% के और बोला तुम 5% आगे लगाओ और शेयर खरीदो, बट उसका बेनिफिट, उसके सब वोटिंग राइट, डिविडेंड राइट, वो सब राइट जो होंगे, वो सब राइट किसको मिलेंगे, मिस्टर सैम को। अब मुझे एक चीज सोच के बताओ, हरी ने श्याम लिमिटेड में पैसे लगाए 40%, बस ये बताओ इस 40 में से हरी लिमिटेड के खुद के कितने हैं, इस 40 में से हरी लिमिटेड के खुद के कितने हैं, दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग, इस 40% में हरी लिमिटेड के खुद के कितने हैं, मुझे ये बताओ।
35%, क्योंकि 5% तो उसने एज अ ट्रस्टी होल्ड किया हुआ है। देखो हरी लिमिटेड इज होल्डिंग 14 श्याम लिमिटेड, बट हरी लिमिटेड 40% बिल्कुल अपने नाम में होल्ड नहीं करता, हरी लिमिटेड श्याम में 40 होल्ड करता है, बट 40 में से 5% का वो सिर्फ एक ट्रस्टी है। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो 5% है ना, ये आप यहां से माइनस कर दीजिए, हम 5 को काउंट नहीं करेंगे। यानी आप इन दोनों को प्लस कर रहे हो, 40 + 12 आप लिख रहे हो 52, बट 52 में से हम वो 5% हटा देंगे जो ये हरी एज अ ट्रस्टी होल्ड करता है, तो हम ये 5% को होल्ड नहीं करेंगे। सर ये कितना हो जाएगा, 47%, और अकॉर्डिंगली नो होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप, होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप नहीं होगा। समझ में आई बात, आप जल्दी बताओ। आप समझ में आ गया, दिस इज व्हाट दैट सर्कुलर हैज क्लैरिफाइड, कि अगर होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप चेक कर रहे हो तो कोई कंपनी, अगर कोई होल्डिंग कंपनी है किसी सब्सिडरी कंपनी में फिड्यूशरी कैपेसिटी में कुछ होल्डिंग रखती है, तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी रिलेशनशिप। यानी अगर आप ये ऐसा वाला सिस्टम जितने ऐसे समझ लो, बहुत हिंदी में बोलता हूं, जितने परसेंट के लिए वो होल्डिंग कंपनी एज अ ट्रस्टी एक्ट कर रही होगी, जितने परसेंट के लिए वो होल्डिंग कंपनी एज अ फिड्यूशरी कैपेसिटी होल्ड कर रही होगी, वो वाली होल्डिंग को हम काउंट करते समय होल्डिंग सब्सिडरी में नहीं गिनते, यानी कि उसको हटाकर देखते हैं कि बाकी होल्डिंग कितनी है और उससे निकालते हैं। अगर मोर देन 50 है तो फिर वो क्या बनेगा, होल्डिंग सब्सिडरी, अदरवाइज इट इज नॉट होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप। इज इट क्लियर टू एवरीवन, जल्दी से बोलो। हां जी बोलो बोलो बोलो, क्लियर हो गई एकदम कहानी, मस्त, चल सकता हूं आगे, जल्दी बोलो, क्या अपन आगे बढ़ सकते हैं, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। चलो, वो थोड़ा सा कुछ पावर ग्लिच हुआ तो वो क्लास डिस्कनेक्ट हो गई, बट अभी इसको अपन वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो हमने कहां छोड़ा था सर, हमने छोड़ा था कि सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन अपनी कंप्लीट हो गई है। लास्ट प्रोविजो हम ये पढ़ रहे थे कि एक सर्कुलर एड हुआ और वो सर्कुलर में एमसीए ने क्या क्लैरिफाई किया कि अगर सर मान लीजिए कि अगर कोई कंपनी, कोई होल्डिंग कंपनी किसी सब्सिडरी कंपनी में कुछ होल्डिंग होल्ड करती है एज अ फिड्यूशरी कैपेसिटी, तो वो वाली पर्टिकुलर जो होल्डिंग होगी ना, जो वो एज अ फिड्यूशरी कैपेसिटी होल्ड करेगी, हम उसको होल्डिंग सब्सिडरी निकालते समय काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। इतना बस हुआ था, और उसके बाद अब मैं आपको लेके चलता हूं। अब हमने सब्सिडरी पढ़ लिया ना, अब हम सब्सिडरी को कनेक्ट करते हैं विद द पब्लिक कंपनी। इधर सर, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में हम कुछ लिखकर आए थे, इधर देखो, पब्लिक कंपनी का मतलब, इसका फर्स्ट वाला जो पार्ट था ना वो हमने पढ़ लिया था। पब्लिक कंपनी क्या होती है सर, पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो पब्लिक कंपनी एक कंपनी होगी जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं होगी, ओके सर। फिर इसमें इसने लिखा पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब, बट अभी तक कोई भी पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब नहीं हुई है, यानी एमसीए ने कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं किया। इसका जो ये सेकंड वाला पार्ट था ना, ये इंपॉर्टेंट था, क्या अ प्राइवेट कंपनी व्हिच इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज ऑल्सो अ पब्लिक कंपनी। अब ये वाली लाइन मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर समझ में आ पाएगी, क्योंकि सर अब हमको समझ में आता है कि होल्डिंग सब्सिडरी क्या होता है। अब मेरे को सोच के बताओ कि सपोज कोई एक पब्लिक कंपनी है और उसकी कोई सब्सिडरी कंपनी है जो कि प्राइवेट कंपनी है, तो ऑल्दो इट इज अ प्राइवेट कंपनी, हेलो ओए इधर देखो, ऑल्दो इट इज अ प्राइवेट कंपनी, बट ये प्राइवेट कंपनी क्योंकि सर सब्सिडरी है एक पब्लिक कंपनी की, तो ये प्राइवेट को मान लिया जाएगा कि ये एक पब्लिक कंपनी है। सर दोबारा बोलो, देयर इज अ पब्लिक कंपनी, देयर इज अ प्राइवेट कंपनी, ये वाली जो प्राइवेट कंपनी है ना, ये इस पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, ये वाली प्राइवेट कंपनी इस पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है। अगर सर ये प्राइवेट कंपनी इस पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, तो ये प्राइवेट कंपनी को मान लिया जाएगा कि ये एक पब्लिक कंपनी है, यानी इस प्राइवेट कंपनी पे जो पूरा कंपनीज एक्ट लगेगा ना, वो एस लगेगा, ये मानते हुए कि ये एक पब्लिक कंपनी है। Is it clear? ये लिखा हुआ है, a private company which is a subsidiary company of a public company is to be treated as a public company. यानी सर अगर कोई private company होगी जो subsidiary होगी public company की, हम उसको मान लेंगे कि वो public company है और उस पर पूरा companies act उस प्रकार से लगाएंगे जिस प्रकार से एक public company पे लगता है। सर थोड़ा सा example देकर समझाओ ना, ऐसे सिर्फ लिख लिख के अपने को मजा नहीं आ रहा, example देकर समझाओ ना, लिखो, एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूं, इधर आओ। एग्जाम्पल नंबर वन सर, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक कंपनी है जिसका नाम है करण लिमिटेड, और क्योंकि ये लिमिटेड है ये पब्लिक कंपनी है, और एक कंपनी है जिसका नाम है लेट्स से के
प्राइवेट लिमिटेड। अब ये प्राइवेट कंपनी है, कौन सी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी है, राइट सर। अगर ये प्राइवेट कंपनी है तो, और मान लो इसका इसमें 60% वोटिंग पावर है, तो क्या मैं बोलूं करण लिमिटेड जो है ये होल्डिंग कंपनी बन गई? हाँ यस सर, ये होल्डिंग कंपनी है, और ये होल्डिंग कंपनी के साथ साथ पब्लिक कंपनी भी है। बोलो हाँ, हाँ सर, ये होल्डिंग कंपनी के साथ साथ पब्लिक कंपनी भी है। सर ये जो केके प्राइवेट लिमिटेड है, ये केके प्राइवेट लिमिटेड कौन सी कंपनी है? ये है तो प्राइवेट कंपनी, बट इस प्राइवेट कंपनी को हम ऐसा मान के चलेंगे कि ये कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी, और इस पे पूरा कंपनी एक्ट इस प्रकार से लगेगा जिस प्रकार से पब्लिक कंपनी पे लगता है, यानी हम इसको बोलेंगे तो प्राइवेट कंपनी बट इसको माना क्या जाएगा? पब्लिक कंपनी। सर एक तरीके से इसको पब्लिक कंपनी की तरह ट्रीट किया जाएगा, और साथ ही साथ ये कंपनी क्या बन जाएगी? सब्सिडरी कंपनी, क्योंकि सर ये एक सब्सिडरी कंपनी है किसकी? पब्लिक कंपनी की, तो इसको भी क्या बोलेंगे? पब्लिक कंपनी बोलेंगे। यानी मैं सिंपल ऐसे बोलता हूं, द सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज टू बी ट्रीटेड लाइक अ पब्लिक कंपनी इफ यू आर अ प्राइवेट कंपनी बट यू आर अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी। ओए ध्यान से सुन लो इधर, अगर तुम एक प्राइवेट कंपनी हो और तुम प्राइवेट कंपनी एक पब्लिक कंपनी की क्या हो? सब्सिडरी हो, तो फिर ये वाली प्राइवेट कंपनी उस पब्लिक कंपनी की अगर सब्सिडरी है तो सर ये प्राइवेट तो है पर इसको माना जाएगा कि ये एक पब्लिक कंपनी की तरह ट्रीट की जाएगी। समझ में आ गई बात? यहां क्लियर है? बोलो 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 ना। अगर तुमको लगता है कि तुमको यहां तक क्लियर है तो मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, अगर तुमने उसके जवाब सही दे दिए तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमको क्लियर है, और अगर तुम उन क्वेश्चन में फंसे तो तुम समझ जाना कि अभी हमको, हाँ एक क्वेश्चन तो मेरे को लग रहा है कि मेरे को यहां पे ये अमतुल्ला ने पूछ लिया, वन क्वेश्चन शी हैज आस्क्ड। एक क्वेश्चन तो इसने पूछ ही लिया मेरे से। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, पक्की बात तुम आंसर दे दोगे मेरे को? और सोच के हाँ बोलना, अगर आंसर नहीं दे पाए तो फिर काम खराब हो जाएगा, फिर रिश्ते खराब हो जाएंगे। ठीक है, सुने 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 सुनो, एक एग्जांपल लिखते हैं, इधर आओ सर, एक एग्जांपल लिखते हैं फिर तो हम समझ जाएंगे। कह रहा अगर हमें हम आंसर नहीं दे पाए तो हम समझ जाएंगे, और अगर हमने आंसर दे दिया तो हम लगा, हमको लगा हमको समझ में आ गया, ज्यादा हीरो बन रहे तो है। चलो आओ लिखो, एक एग्जांपल लिखवाता हूं। मेरे को एक चीज बताओ, एग्जांपल क्या? मैंने आपको थोड़ी सी एक चीज समझाता हूं, जो कंपनीज एक्ट 2013 है ना, ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों कंपनी पे अलग अलग प्रकार से लगता है। देर आर सम डिफरेंसेज इन द प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। यानी कि सर जो ये कंपनीज एक्ट 2013 है ना, ये प्राइवेट कंपनी पे और पब्लिक कंपनी पे थोड़ा अलग रूप से लगता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि ये पब्लिक कंपनी है, रुको ये प्राइवेट कंपनी है और ये पब्लिक कंपनी है। अब समझना मेरी बात को, ये बातें तुमने सुनी तो होंगी पहले, बट आज विद सेक्शन पढ़ेंगे तो लॉ के हिसाब से पढ़ोगे इसको। सर ये प्राइवेट कंपनी है और ये पब्लिक कंपनी है, और दोनों पे जो कंपनीज एक्ट है ना वो अलग अलग प्रकार से लगता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को बताओ, प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर्स की आवश्यकता होती है? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? हाउ मेनी पर्सन आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी? दो, मिनिमम दो मेंबर रहने चाहिए। अच्छा एक बार बताओ, थोड़ा सा कुछ हैवी करूं कुछ समझ पाओगे? चैट पे लिखो तो बोलूंगा। थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि कुछ एक फ्लेवर एड हो, थोड़ा सा एक लेवल अप करूं कुछ समझ पाओगे? विल यू बी एबल टू अंडरस्टैंड? थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं एक तड़का मार दूं यहां पे, बताऊं। मैंने तुमको बोला कोई भी हम कंपनी फॉर्म करते हैं तो सेक्शन 3 लगता है ना, और उस दिन सेक्शन 3 में बताया था कि अगर प्राइवेट कंपनी बनाते हो तो मिनिमम 2 लोग चाहिए होते हैं, पब्लिक कंपनी बनाते हो तो मिनिमम 7 लोग चाहिए होते हैं। ये तो पढ़ा आपने, अगर प्राइवेट कंपनी बनाते हो तो मिनिमम 2 लोग चाहिए होते हैं और पब्लिक कंपनी बनाते हो तो मिनिमम 7 लोग चाहिए होते हैं। बट वहां लैंग्वेज जो लिखी है ना, सेक्शन की लैंग्वेज जो लिखी है, जहां सेक्शन की लैंग्वेज लिखी है वो सेक्शन में ये लिखा हुआ है, अ कंपनी मे बी फॉर्म्ड। यानी जब कंपनी फॉर्म हो रही है तब सेक्शन 3 लगता है। व्हेन द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटिंग, जब अभी कंपनी बन रही है ना तो सेक्शन 3 लगता है, यानी सेक्शन 3
इनकॉर्पोरेशन के समय पे लगता है। तो जब आप इनकॉर्पोरेट हो रहे हो उस समय प्राइवेट बनाने के लिए आपको कितने लोग चाहिए? 2, और पब्लिक बनाने के लिए कितने लोग चाहिए? 7। अब लैंग्वेज ऐसी लिखी हुई है, अ कंपनी मे बी फॉर्म्ड विद दिस और दिस पर्सन। तो यानी फॉर्मेशन के समय पे सेक्शन 3 लगता है, क्या फॉर्मेशन के बाद सर सेक्शन 3 नहीं लगता? नहीं। तो यानी सर अगर हमारी कंपनी एक बार इनकॉर्पोरेट हो गई तो क्या उसके बाद हम अपने मेंबर को 2 से कम कर लें या 7 से कम कर लें तो चलेगा? अभी सेक्शन 3 की लैंग्वेज के हिसाब से तो चलेगा, बट एक और सेक्शन होता है सेक्शन 3A जो बोलता है नहीं, अगर आप इनकॉर्पोरेट हो गए हो तो उसके बाद कभी भी आपके मेंबर प्राइवेट के केस में 2 से कम नहीं जाने चाहिए और पब्लिक के केस में 7 से कम नहीं जाने चाहिए। ये आगे चल के पढ़ाऊंगा, बट मैं अभी थोड़ा सा ऐसे लिंक कर रहा था बस यहां पे कि वो सेक्शन ये बोलता है 3A करके एक सेक्शन होता है, और 3A क्या बोलता है कि अगर आप एक बार इनकॉर्पोरेट हो गए हो तो इनकॉर्पोरेट होने के बाद भी आपको ये लिमिट को मेंटेन करना होता है। प्राइवेट में कम से कम 2 लोग होने चाहिए और पब्लिक में कम से कम 7 लोग होने चाहिए, अगर कम गए तो आपको बढ़ाना पड़ता है, उसको बढ़ाना पड़ता है। इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस लिखा है सेक्शन 7 में, वो कह रहे सेक्शन 7 लगता है ना इनकॉर्पोरेशन पे, तो इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस लिखा है सेक्शन 7 पे। मैं बोल रहा हूं जो सेक्शन 3 में बात लिखी है। हे प्रभु, हे हरि राम, कृष्ण जगन्नाथम, प्रेमानंद, ये क्या हुआ? इधर आओ मैं दिखाता हूं, इधर आओ, इतनी टेंशन नहीं लेते यार। दिस इज द बेयर एक्ट, ठीक है, आप आए सेक्शन 3 पे, इधर आओ। ये क्या लिखा है? अ कंपनी मे बी फॉर्म्ड, अ कंपनी मे बी फॉर्म्ड, इसको क्या लोचा हो रहा है आज भाई, नजर लग गई है। इधर देखो, अब दिख रहा है ना, अ कंपनी मे बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस। कंपनी फॉर्म हो सकती है बाय 7 और मोर पर्सन, 2 और मोर पर्सन प्राइवेट के केस में। ये सेक्शन 3 है। इसने क्या बोला, जब कंपनी फॉर्म कर रहे हो ना तो पब्लिक बना रहे हो तो ध्यान रखना 7 या उससे ज्यादा लोग होने चाहिए, और अगर प्राइवेट बना रहे हो तो 2 या उससे ज्यादा लोग होने चाहिए। हो गए, हमने कंपनी बना ली, मान लो ऐसा हो गया, सेक्शन 3 ने हमने को बोला कि भैया प्राइवेट बना रहे हो तो 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, पब्लिक बना रहे हो 7 या 7 से ज्यादा लोग होने चाहिए। हमने बोला ठीक है, हाँ रख लिए, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कंपनी फॉर्म कर ली, सेक्शन 4 लगाया, 7 लगाया, सब इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस लगाया, और सब करके हमने कंपनी क्या कर ली, फॉर्म कर ली। अब जब हमने कंपनी फॉर्म कर ली, क्या उसके बाद 3 लगता है? नहीं। वंस द कंपनी इज फॉर्म्ड, नाउ 3 इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि 3 लग रहा है फॉर्मेशन के समय पे। फॉर्म करनी है जब कंपनी, क्या करनी है, जब कंपनी फॉर्म करनी है तब 3 लग रहा है। बोलो हाँ, है ना, तब 3 लग रहा है सर। ठीक है ना, तब 3 लग रहा है, बट उसके बाद क्या सर? वंस द कंपनी इज फॉर्म्ड, नाउ 3 इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि 3 लगता है फॉर्मेशन के समय। भैया ये बनाओ, अब हमने बना ली कंपनी, बनाने के बाद क्या हमको फिर दोबारा ये ध्यान रखना होगा क्या कि सर 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए प्राइवेट में और 7 या 7 से ज्यादा लोग होने चाहिए, मतलब मिनिमम 7 होने चाहिए पब्लिक में और मिनिमम 2 होने चाहिए प्राइवेट में, क्या ये ध्यान रखना होगा? हाँ, ये 3 में नहीं लिखा, ये लिखा है 3A में, बट ये मैं पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 2 में। देखो 3A लिखा हुआ है, इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ अ कंपनी इज रिड्यूस्ड इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी बिलो 7, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी बिलो 2, बस आगे ना पढ़ना। तो ये यहां लिखा है कि आपको फॉर्मेशन के बाद भी ये चीज ध्यान रखनी है कि आपके मेंबर 3 से 2 से कम नहीं जाने चाहिए प्राइवेट के केस में और पब्लिक के केस में 7 से कम नहीं जाने चाहिए। ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना, ठीक है। अब मैं आता हूं वापस अपने वाले प्रोविजन पे, इधर आओ सर। जो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी है, इनमें जो लॉ लगता है ना वो थोड़ा अलग तरीके से लगता है। प्राइवेट कंपनी जो है वो बोलती है मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए, 2 मेंबर तो हमेशा आपके रहने ही चाहिए मिनिमम, और ये बोलता है मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए, ये बोलता है मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए, ठीक है सर। सर प्राइवेट कंपनी जो होती है इसमें हमने पढ़ रखा है सर मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए, ये बात कहां लिखी है? मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए, ये बात लिखी है सेक्शन 149 सबसेक्शन नंबर 1 के अंदर, ये बात लिखी है सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन नंबर 1 के अंदर। और सर यहां पर मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, 3 डायरेक्टर होने चाहिए सर। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं और क्या चेंजेस हैं, तो सर यहां प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने हो सकते हैं? 200। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने हो सकते हैं? 200। तो सर यहां मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर रहेंगे 200, पर यहां पर सर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इज ऑफ नो लिमिट, कोई लिमिट ही नहीं है सर। सर क्यों लिमिट नहीं है? यहां पर कोई लिमिट ही नहीं है सर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पर्सन एंड मेंबर?
ये मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, मतलब इस लेक्चर की सेकंड क्लास में, यार ये क्यों अटक रहा है इतना। पर्सन और मेंबर में ये डिफरेंस होता है, व्हेन द कंपनी इज नॉट फॉर्म्ड, अभी कंपनी फॉर्म नहीं हुई है, जब कंपनी फॉर्म नहीं हुई है, अभी कंपनी फॉर्म होगी तो उस समय हम उसको पर्सन बोलते हैं, उसके बाद वो पर्सन जो होते हैं वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को क्या करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब करते हैं मतलब एक तरीके से अग्री करते हैं, उस पर साइन करते हैं कि हम इतने शेयर्स लेने के लिए क्या हैं, रेडी हैं। फिर वो सब्सक्राइबर बनते हैं, देन उसके बाद इनकॉर्पोरेशन की सारी प्रोसेसेस जो होती हैं वो कंप्लीट होती हैं, और वो सारे कंप्लायंसेस कंप्लीट करने के बाद जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, व्हेन द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाता है, और जिन जिन लोगों ने वो मेमोरेंडम में सब्सक्राइब किया था कि हम इतने इतने शेयर लेना चाहते हैं, हम वी आर रेडी, वो लोगों को कंपनी क्या दे देती है, शेयर दे देती है, शेयर सर्टिफिकेट चला जाता है, उसके बाद वो लोग क्या बनते हैं, मेंबर बनते हैं। So, उस समय हम पर्सन बोलते हैं, देन दे बिकम द सब्सक्राइबर एंड लेटर ऑन दे बिकम द मेंबर। ठीक है, तो सर यहां मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200 होने चाहिए, यहां कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है सर, इसके बाद आगे लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है, एक चीज बताता हूं, कंपनी में ना बड़ी सारी टाइप्स की मीटिंग होती है। सो कंपनी में कुछ मीटिंग्स होती हैं जो होती हैं बोर्ड मीटिंग्स, कंपनी में कुछ मीटिंग्स होती हैं जो होती हैं शेयर होल्डर की मीटिंग। जो कंपनी में शेयर होल्डर की मीटिंग होती है ना, उसको हम बोलते हैं जनरल मीटिंग। क्या बोलते हैं? जनरल मीटिंग, जीएम। ठीक है, उसमें भी फिर दो टाइप की होती है, एक एजीएम रहता है और एक ईजीएम रहता है, बट वो क्या होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, उस पर अपने को जाना ही नहीं है। और एक होती है डायरेक्टर्स की मीटिंग। तो दो प्रकार की मीटिंग्स कंपनी में होती है, फॉर एग्जाम्पल की एक शेयर होल्डर की मीटिंग हो रही है और एक क्या बोलते हैं डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही है। जो डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है ना, उसको हम बोलते हैं बोर्ड मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है तो उसको क्या बोलते हैं? बोर्ड मीटिंग। ठीक है, और जो शेयर होल्डर की मीटिंग होती है उसको हम बोलते हैं जनरल मीटिंग। अब जो जनरल मीटिंग है ना, अरे वो टाइटल गलत डल गया यार क्लास का। अभी क्या हुआ था ना, मैं क्लास ले रहा था तो वो बीच में कुछ ग्लिच हुआ, उसके बाद क्लास रीस्टार्ट हुई। अब क्लास रीस्टार्ट हुई तो वो उस पर टाइटल गलत डल गया, तो कुछ कंफ्यूज ना हो उससे। ठीक है, तो सर जो जनरल मीटिंग होती है ना, प्राइवेट कंपनी की जो जनरल मीटिंग होती है उसका कोरम होता है। कोरम, व्हाट इज कोरम? कभी ये वर्ड सुना है? कोरम क्या होता है? कोरम का मतलब होता है, कोरम का मतलब होता है कि एक मीटिंग को कंडक्ट कराने के लिए ना, मतलब एक मीटिंग को कन्वीन करने के लिए, वो मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए कम से कम कुछ लोगों की उपस्थिति जरूरी होती है। मतलब हमने मीटिंग बुला ली, भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब हमने मीटिंग बुलाई, वहां पे बंदा आया एक, तो मीटिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि मीटिंग स्टार्ट होगी। तो यानी मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए एक मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस रिक्वायर्ड होते हैं कि भैया कम से कम इतने मेंबर तो आएंगे, इतने मेंबर्स की उपस्थिति जरूरी है, उसको बोलते हैं कोरम। ठीक है, और ये कोरम पे सेक्शन लगता है सेक्शन 103। मेरे को बहुत सॉलिड चीज कनेक्ट करनी है यहां से, उस पे कोरम पे सेक्शन लगता है 103। और कोरम का सेक्शन 103 बोलता है कि प्राइवेट कंपनी की मीटिंग को आप स्टार्ट कर सकते हो अगर मिनिमम दो मेंबर प्रेजेंट है। अगर मिनिमम दो मेंबर्स प्रेजेंट है तो यू कैन स्टार्ट विद द मीटिंग, यू कैन गो विद द मीटिंग, आप मीटिंग स्टार्ट कर सकते हो। बट पब्लिक कंपनी बोलती है कि मिनिमम 5, 15 या 30। अब ये किस केस में 5 है, किस केस में 15 है, किस केस में 30 है, वो छोड़ो, आप, मैं बोलूंगा मोटा मोटा ये ध्यान रख के चलना, आप मोटा मोटा ये ध्यान रख के चलना कि मिनिमम 5 तो चाहिए ही चाहिए, 5 से कम तो हो ही नहीं सकता कोरम पब्लिक के केस में। ठीक है, 5 से कम तो हो ही नहीं सकता कोरम पब्लिक के केस में। ठीक है, अच्छा सर प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू ला सकती है? नहीं, पढ़ा दिया था, प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू नहीं ला सकती, पर पब्लिक कंपनी ला सकती है। सर क्या प्राइवेट कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं? क्या आप प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो? तो मैंने बोला नो। क्या पब्लिक कंपनी के कर सकते हैं? हाँ। सर ये आप हमें क्यों सिखा रहे हो? क्या आप हमें कोई ऐसा क्वेश्चन पढ़ा रहे हो क्या, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी है, तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। क्या ये ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा क्या, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में डिफरेंस लिखो? सर वी आर एट द इंटर लेवल, हमारी क्लास है सर, इंटर के पेपर में ये सवाल थोड़ी आएंगे कि प्राइवेट और पब्लिक में डिफरेंस लिखो, तो मैंने कब कहा? बट मेरे को एक चीज समझानी है, वो समझना आराम से कि मैं क्या बोल रहा हूं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो अब मैं बोलने जा रहा हूं। ठीक है, जो अब मैं बोलने जा रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि सर अगर कोई प्राइवेट कंपनी और कोई पब्लिक कंपनी, इन दोनों पे लॉ अलग अलग प्रकार से लगता है, अलग अलग प्रकार से लगता है, तो यहां पर ये सारे डिफरेंसेस निकल कर आ गए। और अभी आप बोल रहे थे कि कोई एक प्राइवेट कंपनी है जो कि सब्सिडरी कंपनी है किसकी, पब्लिक की, तो हम उसे मान लेंगे कि वो एक पब्लिक है, यानी उस पर पूरा लॉ इस प्रकार से लगेगा कि जैसे वो एक पब्लिक कंपनी है। तो सर इस हिसाब से
तो मेरे दिमाग में कुछ सवाल आ गए कि सर अगर मान लो कोई प्राइवेट कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल दिस, अब आप बोल रहे हो कि ये प्राइवेट कंपनी बीइंग अ सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक, हम इस प्राइवेट को भी पब्लिक मानेंगे। वाओ, ये जो प्राइवेट कंपनी है सर, बीइंग अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ पब्लिक, हम इसको भी प्राइवेट, हम इसको भी पब्लिक मानेंगे। तो सर एक चीज बताओ, क्या मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, क्या सर अब मुझे इस प्राइवेट कंपनी को, मैं इसी प्राइवेट कंपनी को बेस रखकर आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, क्या इस प्राइवेट कंपनी को अपने डायरेक्टर्स को 2 से 3 करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि आप ये बोल रहे हो नाउ दिस प्राइवेट कंपनी इज टू बी ट्रीटेड लाइक अ पब्लिक कंपनी, इफ इट इज टू बी ट्रीटेड लाइक अ पब्लिक कंपनी देन नाउ व्हाट आर द कंप्लायंसेस व्हाट दिस कंपनी हैज टू फॉलो, क्या ये कंपनी को अब ये सारे कंप्लायंसेस फॉलो करने पड़ेंगे? सर मैं एक एक करके पूछता हूं, बेटा जी मेरे को ये बताओ क्या इस कंपनी को अब अपने डायरेक्टर्स बढ़ाकर 2 से 3 करने पड़ेंगे? मान लेता हूं कि कोई ये प्राइवेट कंपनी थी और पहले इसमें 2 ही डायरेक्टर थे, बट अब ये पब्लिक की सब्सिडियरी बन चुकी है, तो मेरा आपसे एक सवाल है, क्या ये कंपनी में डायरेक्टर्स हमको 2 से बढ़ाकर अब 3 करने पड़ेंगे? आंसर इज एब्सोल्युटली यस, यू हैव टू कंप्लाई विद द लॉ, लाइक कि वो आप क्या हो, एक पब्लिक कंपनी हो, आपको अपने डायरेक्टर्स को 2 से बढ़ाकर 3 करना पड़ेगा। ये लिख लेना, अगर ना भूल जाओ तो ये लिख लेना, आपको डायरेक्टर्स को 2 से बढ़ाकर 3 करना पड़ेगा। सर क्या ये कंपनी पब्लिक इश्यू लेके आ सकती है? अब दिमाग में एक और सवाल आ गया, क्या ये कंपनी सर पब्लिक इश्यू लेके आ सकती है? आंसर इज नो, अभी भी ये कंपनी पब्लिक इश्यू लेके नहीं आ सकती। सर क्या ये कंपनी अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफर कर पाएगी, मतलब वो राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल और वो प्रीएम्प्टिव राइट वो सब गया, वो सब बाहर में गया, यानी मुझे अब पब्लिक इश्यू लाना अलाउड हो जाएगा, मेरे को अब एक फ्रीली ट्रांसफरेबल, मैं शेयर को फ्रीली ट्रांसफर कर सकता हूं। क्या ये प्राइवेट कंपनी जो कि सब्सिडरी है पब्लिक की, क्या अब ये पब्लिक इश्यू ले आएगी? क्या अब ये अपने शेयर को फ्रीली ट्रांसफर कर सकती है? आंसर इज नो, यानी कि सर आप क्या कहना चाहते हो? अब जो मैं लाइन बोलने जा रहा हूं ना, इसको आंख बंद करके सुनना ध्यान से, और इसको दिन में 5-5 बार रिपीट करना है, वरना क्वेश्चन भयंकर गलत होंगे, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूं सुनना मेरी बात आराम से। इस पर ना एक केस लॉ हुआ था बहुत प्यारा, बट वो केस लॉ आई थिंक तुमको नहीं पढ़ना, केस लॉ का नाम कहोगे तो मैं बता दूंगा, केस लॉ का नाम था होटल क्वींस रोड प्राइवेट लिमिटेड, अगर लिखना भी चाहो तो लिख लेना, होटल क्वींस रोड प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस हिल क्रेस्ट रियलिटी। क्या बोला मैं? होटल क्वींस रोड प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस हिल क्रेस्ट, CREST, क्रेस्ट रियलिटी। और इस लॉ में, इस केस लॉ में यह डिसाइड हुआ कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी बनती है ना, तो यहां पर कोर्ट ने यह बोला कि भैया सुनो, ये प्राइवेट कंपनी सब्सिडरी बन गई पब्लिक की, ठीक है, इस पर पब्लिक, अब इसको पब्लिक मानेंगे और इस पर पूरा लॉ किस प्रकार से लगेगा, पब्लिक कंपनी के प्रकार से, पर जो इस कंपनी का बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा वो प्राइवेट का ही रहेगा, यानी कि इस कंपनी का जो बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा वो प्राइवेट ही रहेगा। सर व्हाट डू यू मीन बाय दैट बेसिक स्ट्रक्चर? याद करो प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में वो 3 रेस्ट्रिक्शन होती थी, मतलब एक रेस्ट्रिक्शन, एक लिमिटेशन, एक प्रोहिबिशन, दैट वॉज द बेसिक नेचर ऑफ प्राइवेट कंपनी, यानी वो अभी भी रहेगा। तो मेरा सवाल आपसे एक ये है, अगर ये प्राइवेट कंपनी पब्लिक की सब्सिडरी बन भी गई है, तो क्या अब इसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में से वो 3 चीजें हट जाएंगी? नो, वरना दुनिया को ये कैसे पता चलेगा भाई कि ये प्राइवेट कंपनी है, जो इसका बेसिक नेचर है वो वही रहेगा, यानी इसके आर्टिकल्स में वो 3 बातें रहेंगी। सर अगर इसके आर्टिकल्स में वो 3 बातें रहेंगी तो इसका मतलब ये कंपनी पब्लिक इशू लेकर नहीं आ सकती, ये कंपनी शेयर को फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकती, इसके मेंबर की लिमिट अभी भी मैक्सिमम कितनी रहेगी? 200। कुछ समझ में आ रहा है? सर इसके नाम में अभी भी क्या लिखा रहेगा, लिमिटेड लिखा रहेगा या प्राइवेट लिमिटेड? प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड नहीं लिखना, क्या लिखा रहेगा? प्राइवेट लिमिटेड, ताकि ऑन द फेस का बाकी लोगों को तो ये लगेगा कि ये क्या है, एक प्राइवेट, ठीक है सर, बट इसको डायरेक्टर को 2 से बढ़ाकर क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा, बिकॉज आप एक सब्सिडरी कंपनी बन गए हो पब्लिक की, तो आपको पब्लिक कंपनी के लिए आपको अब 3 डायरेक्टर करने पड़ेंगे 2 से। सर एक चीज बताओ, पब्लिक इशू के लिए कंपनी को लिस्टेड होना जरूरी होता है क्या? यस, उस पर सिक्योरिटी लॉज लगते हैं। फिर पब्लिक इशू जब आप फर्स्ट टाइम लेकर आते हो ना, तब आप पहली बार लिस्ट होते हो, ठीक है,
और उसके बाद फिर आप जब दोबारा एफपीओ वगैरह लेकर आओगे तो फिर आप दोबारा लिस्ट होते हो। और एक चीज और बताता हूं, बड़ी प्यारी चीज बताता हूं, तुमने लिखा कि कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए, कंपनी कभी लिस्ट नहीं होती, कंपनी के शेयर्स लिस्ट होते हैं, कंपनी खुद अपने आप को लिस्ट नहीं कराती। अब इसका मैं रीजन बहुत बहुत गहरा रीजन है, मतलब व्हेन आई यूज्ड टू टीच सिक्योरिटी लॉज भाई इसमें भयंकर एनालिसिस है कि मान लो आप एक बार शेयर का इशू लेकर आ गए, आपने अपने आप को लिस्ट करा लिया, ठीक है। अब अगर आप ऐसा बोलते हो कंपनी लिस्ट हो गई है, तो क्या जब आप दोबारा फिर और दोबारा शेयर लेकर आते हो तो क्या दोबारा लिस्टिंग परमिशन लेनी होती है या डायरेक्टली ला सकते हैं? दोबारा परमिशन लेनी होती है, तो वो शेयर्स की लिस्टिंग होती है। जब आप थोड़े शेयर लेकर आए, मान लो आप ये शेयर लेकर आए, आपने लिस्ट करा दिया, तो फिर आपकी कंपनी कहलाती ऐसे है कि एक लिस्टेड कंपनी है, बट असल में कंपनी एक्चुअली में कंपनी इज नॉट गेटिंग लिस्टेड, कंपनी के शेयर लिस्ट होते हैं। फिर अगली बार दोबारा आप और शेयर लेकर आए तो अगेन उस शेयर के लिए फिर आपको लिस्टिंग परमिशन लेनी होती है, फिर वो शेयर लिस्ट होते हैं। समझ में आई बात? चलो उस पर लिस्टेड कंपनी में नहीं जा रहे, इधर ही रहेंगे। चलो यहां तक क्लियर एकदम, मामला बिल्कुल सेट है। हाँ सेट है सर। तो आपको दो डायरेक्टर से बढ़ाकर कितने करने पड़ेंगे? तीन करने पड़ेंगे। मेरा आपसे लास्ट एक क्वेश्चन है, उसके बाद मैं इससे आगे बढ़ जाऊंगा। मेरे को एक लास्ट चीज बता दो, क्या मुझे मेंबर दो से बढ़ाकर सात करने पड़ेंगे? दिस इज माई क्वेश्चन टू यू। इसका आंसर दे दिया, एक एक हजार रुपए इनाम। सर यार आप हमको चूना लगाते हो, आप प्राइस देते तो हो नहीं दूंगा पक्का। अच्छा अगर मान लो कि मैं ये बोल रहा हूं ये एक प्राइवेट कंपनी है और ये सब्सिडियरी बन गई किसकी, पब्लिक की, तो मैं आपसे बोल रहा हूं क्या मेंबर को भी दो से बढ़ाकर सात करना पड़ेगा? डायरेक्टर्स मैं आपको बता रहा हूं, मुश्किल वाला मैं बताऊंगा, आसान वाला तुम बताओगे। डायरेक्टर्स दो से बढ़ाकर तीन करने पड़ेंगे, क्या मेंबर भी दो से बढ़ाकर सात करने पड़ेंगे? क्या डायरेक्टर्स भी दो से बढ़ाकर सात करने पड़ेंगे? ओ सॉरी, डायरेक्टर दो से बढ़ाकर तीन करने पड़ेंगे, क्या मेंबर भी दो से बढ़ाकर सात करने पड़ेंगे? अच्छा कुछ कुछ कह रहे हैं करना तो चाहिए, सानू लगते रहा है पर पता नहीं होगा या नहीं होगा। कुछ को लग रहा है होना चाहिए, कुछ को लग रहा है नहीं होना चाहिए। आंसर इज, अच्छा कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड, नो नहीं होएगा। कुछ बोल रहे यस होएगा। क्या मेंबर को भी दो से बढ़ाकर सात करना चाहिए? अच्छा जो लोग बोल रहे हैं नो वो क्यों नो बोल रहे हैं? मैं बताता हूं जो लोग बोल रहे हैं ना नो, तो उनको लग रहा है कि सर वो आपने बोला था ना आर्टिकल में तीन बातें होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली देखो ना फिर तो नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल में 200 की लिमिट होती थी, दो की लिमिट थोड़ी होती थी, मिनिमम दो थोड़ी आर्टिकल में लिखते थे, मिनिमम दो होने चाहिए तो सेक्शन 3 में लिखा है। आर्टिकल में तो लिखा होता था मैक्सिमम 200 होने चाहिए, तो मैक्सिमम 200 रखेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम वाली बात आर्टिकल में कहां लिखी है? हाँ लिमिट तो मैक्सिमम पे है ना, मिनिमम पे थोड़ी है। परफेक्ट तरुण, लिमिट तो मैक्सिमम पे होती थी। तो सर क्या इसको दो से बढ़ाकर सात करना पड़ेगा? आंसर इज लिमिट को दो से बढ़ाकर सात करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, जल्दी बताओ सर ये लिमिट को दो से सात करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? आंसर इज इस लिमिट को दो से बढ़ाकर सात करना, अबे बता भी दे यार, अब इस लिमिट को दो से बढ़ाकर सात करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? एक बच्चा कह रहा है आंसर इज नो, क्योंकि हमने फाउंडेशन में पढ़ा था इसीलिए। हे भगवान इस गलत फहमी में जीते हम। आंसर इज सर इसको दो से बढ़ाकर सात करना पड़ेगा। आंसर इज यस। सर क्या बात कर रहे हो आप, दो से बढ़ाकर सात करने पड़ेंगे मेंबर? अब मैं बताता हूं क्यों, नाउ आई विल टेल क्यों। ऐसा क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मैंने बोला आप एक प्राइवेट कंपनी हो बट आप एक सब्सिडियरी की पब्लिक बन चुके हो। सब्सिडियरी की पब्लिक बोल रहा है, पब्लिक की सब्सिडियरी। अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो और आप प्राइवेट की क्या बन चुके हो, पब्लिक की क्या बन चुके हो, सब्सिडियरी बन चुके हो, तो फिर आपको भी वैसे लॉ फॉलो करना है जैसे एक पब्लिक कंपनी फॉलो करती है। अब पब्लिक कंपनी का जो कोरम होता है वो क्या होता है, मिनिमम 5। ओ भाई साहब, अगर पब्लिक कंपनी की मीटिंग का कोरम होता है 5, तो यानी अगर पब्लिक कंपनी मीटिंग बुलाएगी तो मिनिमम 5 मेंबर तो होने चाहिए। और अगर तुम्हारे पास मिनिमम 2 ही मेंबर है,
तुम्हारे पास मिनिमम दो ही मेंबर है, नहीं तीन महीने का टाइम भी नहीं, तुम्हारे पास मिनिमम दो ही मेंबर है, तो आपको दो से बढ़ाकर सात पर जाना पड़ेगा। समझ में आई मेरी बात? आपको दो से बढ़ाकर सात पर जाना पड़ेगा, पर सात पर जाने की आवश्यकता नहीं है, आप सात पे ना जाओ बट एटलीस्ट पांच तो करो। आपके मिनिमम दो ही मेंबर थे प्राइवेट कंपनी में, तो आप सात पे नहीं जाना चाह रहे, ना जाओ कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट आपको पांच तो करना ही है इन एनी केस, मतलब दो से पांच करना है, ये तो मैंडेटरली करना है। मैं पर्सनली एडवाइस कर रहा हूं, जितना हमने भी पढ़ा और जो हमको भी टीचर्स बोलते थे, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू इंक्रीज इट टू सेवन डायरेक्टली, एडवाइजेबल है, मैं लॉ में नहीं बोल रहा लिखा हुआ है, बट मैंडेटरी लॉ में ये तो है कि आपको दो से बढ़ाकर पांच तो करना ही पड़ेगा। प्रैक्टिकल इंडस्ट्री की आप देखोगे तो उसमें ही रहेगा कि दो से आपको पांच तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब ये प्राइवेट कंपनी होगी और इसकी जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी तो इसका कोरम देखा जाएगा, और जब कोरम देखा जाएगा तो मिनिमम कितने मेंबर चेक होने चाहिए, पांच, और अगर इसमें होंगे ही दो तो पांच का कोरम कैसे होगा और जनरल मीटिंग कैसे होगी, तो उस केस में फिर इसको क्या करना पड़ेगा, दो से बढ़ाकर पांच तो एटलीस्ट करना पड़ेगा। सात करना चाहो इट इज एडवाइजेबल फॉर यू, नहीं करना चाहो तो तुम्हारी श्रद्धा, बट अगर श्रद्धा मतलब तुम्हारी मर्जी, ठीक है, शिव 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 शिव, अगर तुम दो से बढ़ाकर पांच करना सात करना चाहो कर सकते हो, मर्जी आपकी, नहीं करना चाहो तो कोई बात नहीं चलेगा, बट दो से पांच तो करना ही पड़ेगा। बताओ समझ में आया? यस सर, यस सर। चले आगे, जल्दी बोलो, चले आगे चले आगे चले आगे, लेट्स गो। सेट हो गया मामला, जल्दी बताओ, चलो आ गया हो, आ गया हो, आ गया हो, आ गया हो। अब मैं आपको ना एक चीज और सिखा देता हूं, होल्डिंग सब्सिडियरी तुम आज रिवाइज करके आओगे, और एक टॉपिक इससे रिलेटेड और है, होल्डिंग, होली ओन होल्डिंग और होली ओन सब्सिडियरी, वो अपन कल की क्लास में सीखेंगे डिटेल में, ठीक है। मतलब पहले इसको एक बार याद पूरा पक्का कर लेना, फिर मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, फिर उसको कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। चलो अगली अगली डेफिनेशन लिखो, अगली डेफिनेशन लिखो, अगली डेफिनेशन लिखो, दैट इज एसोसिएट कंपनी। लिखो अगली डेफिनेशन, एसोसिएट कंपनी। अच्छा, होल्डिंग कंपनी का सेक्शन क्या होता है? होल्डिंग कंपनी इज, होल्डिंग कंपनी का सेक्शन क्या होता है? सर होल्डिंग कंपनी इज टू क्लॉज 46, ये याद कर लेना। होल्डिंग कंपनी इज, नहीं वो एक्स्ट्रा ऐड किया था मैंने, उसमें कुछ लिखना नहीं है, पब्लिक के बाद जो एक पेज आया ना वो एक्स्ट्रा आ रहा है, तो फिर उसमें कुछ लिखना मत। होल्डिंग कंपनी इज टू क्लॉज 46, टू क्लॉज 46। हां जी डेमो क्लास है ये, वो टाइटल गलत है बस, बट दिस इज डेमो। होल्डिंग कंपनी इज टू क्लॉज 46, एंड व्हाट इज सब्सिडियरी कंपनी? सर सब्सिडियरी कंपनी इज टू क्लॉज 87। सब्सिडियरी कंपनी is 2 clause 87. So holding is 246 and subsidiary is 287. Clear, clear? Chal. 2 clause 86 nahi beta, 2 clause 87. Now coming to associate company. Yes, it is applicable for January 25. Sir, now what is associate company? What is associate company? Likho ji. सेक्शन 2 क्लॉज 6, चलो एसोसिएट कंपनी, एसोसिएट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 6। और मैं आपको एक बारी लैंग्वेज पढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि मैं ये दिखाना चाहता हूं कि बेयर लॉ पढ़ के देखो और मुझे बताओ बुद्धि में कुछ भी गया या नहीं गया। लो जी सेक्शन 2 क्लॉज 6, एक बार इसको पढ़ लो, तसल्ली बख्श पढ़ लो, मैं कह रहा हूं दो बार पढ़ना, तीन बार पढ़ना तीन बार पढ़ लो, बट मुझे बताओ कि तुमको दिमाग में कुछ गया या नहीं गया। एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मींस अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट विच इज नॉट अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ द कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस एंड इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी। सर एक बार दोबारा पढ़ा लो,
associate company in relation to another company means a company in which that other company has a significant influence, but which is not a subsidiary company of the company having such influence and includes a joint venture company. इस पूरी डेफिनेशन में सिर्फ एक शब्द समझ में आया होगा, बताओ क्या? इस पूरी डेफिनेशन में सिर्फ एक शब्द तो हमें सर जरूर समझ में आया, बताओ वो क्या है? मुझे कुछ और समझ में आया हो ना आया हो, इस पूरी डेफिनेशन में मुझे सर एक वर्ड तो समझ में आया है, वो आया है मुझे सिर्फ और सिर्फ शब्द कंपनी। मुझे सर पूरी डेफिनेशन में सिर्फ एक वर्ड समझ में आ रहा है, दैट इज कंपनी। पता नहीं कितनी बार लिखा हुआ है, एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी has a significant influence but which is not a subsidiary company of the company having such influence and includes the joint venture company. और एक मुझे समझ में आ गया कि सब्सिडरी क्या होता है, चलो वो तो मुझे पता है, इसने लिख दिया नॉट अ सब्सिडरी, बट सर ये कंपनी कंपनी लिखा हुआ है। एक तुमने वो ऐसा देखा, वो बोलता रहता है खाते थे और खाते थे और उधर खाते थे उधर खाते थे, बस ये सेम वैसे ही है ठीक है, कंपनी 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 कंपनी, हे माँ माता जी सर ये क्या लिखा हुआ है ठीक है। दिस इज नॉट मैराथन, दिस इज रेगुलर लेक्चर का डेमो, बट वो क्या बोलते हैं उसमें जो टाइटल है ना वो गलत हो गया ठीक है। तो दिस इज रेगुलर लेक्चर, रेगुलर लेक्चर ठीक है चलो। सो एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मींस अ कंपनी, सर तीन बार पढ़ लिया कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप लिखवाओ ना, आप समझाओ ना, आ जाओ आपको समझाते हैं, इधर आओ। मैं क्या करता हूं ना, एक काम करो, मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखवाता हूं, और ये सिंपल लैंग्वेज लिखकर ना आपको एक बारी में डेफिनेशन समझ में आएगी ठीक है। लिखो मेरे साथ, लिखो इफ इफ अ कंपनी, इफ अ कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस, इफ अ कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस over other company, over other company, over other company, but such other company must not be a subsidiary company of फॉर्मर कंपनी। फॉर्मर कंपनी समझते हो, मतलब ये वाले जिस कंपनी की बात पहले हो रही थी उसको बोलते हैं फॉर्मर कंपनी। बट सच अदर कंपनी मस्ट नॉट बी सब्सिडरी ऑफ फॉर्मर कंपनी, देन सच अदर कंपनी इज कंसीडर्ड एज एसोसिएट कंपनी ऑफ फॉर्मर कंपनी। सर ये तो मुझे लग रहा है और डिफिकल्ट कर दिया आपने, हाँ रुक जाओ इधर चपेट खा लोगे, और डिफिकल्ट कर दिया आपने। इधर सुनो, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, मान लीजिए एक कंपनी है, एग्जाम्पल लेता हूं, एक कंपनी है फॉर एग्जाम्पल ए लिमिटेड, फॉर एग्जाम्पल ए लिमिटेड, और एक कंपनी है बी लिमिटेड। एक कंपनी कौन सी है, बी लिमिटेड। जो बी लिमिटेड है इसका ए लिमिटेड में अगर सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस है, सिंपल लैंग्वेज बोलती है, अब मैं समझाने जा रहा हूं सुनना, अगर बी लिमिटेड का ए लिमिटेड में सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस है तो ए लिमिटेड को एसोसिएट कंपनी माना जाएगा, तो ए लिमिटेड को एसोसिएट कंपनी माना जाएगा किसकी, बी की। अगर एक कंपनी का दूसरी कंपनी में सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस है तो वो कंपनी मेरी कौन है, एसोसिएट। क्या सर मैं उसका एसोसिएट हूं, नहीं, वो कंपनी मेरी क्या है, एसोसिएट। लाइक मेरी कंपनी का उस कंपनी में 50% ज्यादा वोटिंग पावर है तो वो मेरी क्या है, सब्सिडरी। मैं उसकी सब्सिडरी थोड़ी हूं, वो मेरी क्या है, सब्सिडरी। सिमिलर टू दैट, अगर मेरा उस कंपनी में सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस है तो वो कंपनी मेरी क्या मानी जाएगी, एसोसिएट मानी जाएगी। तो बी का अगर ए में सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस है तो ए लिमिटेड इज द एसोसिएट कंपनी ऑफ द बी लिमिटेड। तो मैं यहां पर ना थोड़ा सा आपकी आपकी क्लैरिटी के लिए यहां पर लिख देता हूं, फॉर एग्जांपल इफ अ कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस, किसका सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस है, बी कंपनी का। किस पे सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस है, ए पे।
बट सच अदर कंपनी, अदर कंपनी बोले तो, सच अदर कंपनी बोले तो ए मस्ट नॉट बी सब्सिडरी ऑफ फॉर्मर कंपनी बी, देन सच अदर कंपनी दैट इज ए इज कंसिडर्ड टू बी द एसोसिएट कंपनी ऑफ फॉर्मर कंपनी. मतलब सर अगर मतलब एक कंपनी का, परफेक्ट तरुण वेरी गुड सर, अगर मान लीजिए एक कंपनी का, तूने क्या आगे की लाइन पकड़ी है ना, इतना भयंकर आगे की लाइन, मतलब क्लासिक आंसर, ब्यूटीफुल, तू ब्यूटीफुल नहीं है, आंसर ब्यूटीफुल है, ठीक है, ऐसे कहीं शर्मा रहा है सर, ठीक है सुनो. सो यहां पर क्या बोला सर, मान लीजिए एक कंपनी है और ये कंपनी का दूसरी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है. सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है वो मैं अभी समझाऊंगा. तो डेफिनेशन ने बोला कि अगर एक कंपनी का दूसरी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है तो वो कंपनी आपकी क्या बन जाती है, एसोसिएट कंपनी बन जाती है. सर व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, तो लिखे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है इक्वल टू और मोर देन 20% वोटिंग पावर, इक्वल टू और मोर देन 20% वोटिंग पावर. सब्सिडरी में जब चेक करते थे ना तो वहां मोर देन 50 था, यहां पर मोर देन 50 नहीं है, यहां पर इक्वल टू और मोर देन 50 है. अगर आपका, पहली बात तो आप भी कौन होने चाहिए, एक कंपनी, और अगर आपका उस कंपनी में 20% और मोर वोटिंग पावर आ जाता है तो हम बोलेंगे वो कंपनी में आपका क्या आ गया, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ गया. बट सर एक लाइन लिखी हुई है, एक लाइन लिखी हुई है इधर देखो, एक लाइन लिखी हुई है सर यहां पे, सर क्या लाइन लिखी हुई है, एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मींस अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. आपकी कंपनी में अगर उस अदर कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो फिर आपकी कंपनी एसोसिएट मानी जाएगी. बट विच इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर गहरा एनालिसिस है, इस पर ही मेरे को बहुत थोड़ा टाइम लगाना है कि ये क्या लिखा हुआ है. यानी अगर एक कंपनी, मैं यहां पर एक एग्जांपल यहीं पर लिख लेता हूं वाला, अगर मान लो सर एक कंपनी है ए लिमिटेड और एक कंपनी है बी लिमिटेड, तो जो ए लिमिटेड है इसमें बी लिमिटेड का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब लिखा है एटलीस्ट 20% ऑफ द वोटिंग पावर. एटलीस्ट 20% वोटिंग पावर का मतलब होता है कम से कम 20% वोटिंग पावर होनी चाहिए. अब यहां 20% से ज्यादा की बात हो रही है या एग्जैक्ट 20 हुआ तो भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ जाएगा, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है. अगर मान लो बी का ए में एग्जैक्ट 20% भी हुआ तो क्या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ जाएगा, इफ इट इज एग्जैक्ट 20% तो क्या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ जाएगा. हाँ सर, एग्जैक्ट 20% भी हुआ ना तो भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ जाएगा. क्यों सर, क्योंकि क्योंकि यहां लिखा है एटलीस्ट 20 होना चाहिए, तो एटलीस्ट होने का मतलब होता है 20. चलो दोबारा हो, दोबारा हो, दोबारा हो, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे एसोसिएट कंपनी. सर इसने बोला कि ना आपके पास एक कंपनी के 20% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर है, अगर एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी की 20% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर है तो हम बोलेंगे कि दैट कंपनी बिकम्स योर एसोसिएट. ठीक है, यानी अगर बी लिमिटेड का ए लिमिटेड में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो ए लिमिटेड को मैं क्या बोलूंगा, ए लिमिटेड इज द एसोसिएट कंपनी ऑफ बी लिमिटेड. ए इज एसोसिएट ऑफ बी, बी इज नॉट एसोसिएट ऑफ ए, ये ध्यान रखना. ए जो है ये बी का एसोसिएट है बट बी ए का एसोसिएट नहीं है, ए बी का एसोसिएट है बट बी ए का एसोसिएट नहीं है. ठीक है, हाँ सर. तो अब एक बात यहां पर ध्यान देने वाली क्या थी सर, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है. सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है अगर आपके पास उस कंपनी का 20% एग्जैक्ट 20 भी होगा तो भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा, अगर 20 से ज्यादा भी हुआ तो भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा. बट 20 से कितना ज्यादा सर, क्या 30% हो सकता है. हाँ सर, 20, 21, 22, 23 कितना भी हो, 40 हो, मैं कह रहा हूं 50 हो, वो हो जाएगा. बट 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जैसे ही 50 से ज्यादा गया तो 50 से ज्यादा जाते ही वो कंपनी आपकी सब्सिडरी बन जाएगी. एंड वंस इट बिकम्स योर सब्सिडरी, इट इज योर सब्सिडरी नाउ, इट इज नॉट एसोसिएट. क्योंकि वो आपकी सब्सिडरी बन गई है तो अब वो आपकी एसोसिएट नहीं है. तो इसने इन्होंने लिखा बट विच इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी, यानी वो कंपनी मेरी सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए.
सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए का मतलब ये बोलना चाह रहा है कि उस कंपनी में मेरे 50% से ज्यादा वोटिंग पावर नहीं होनी चाहिए, यानी 20% या उससे ज्यादा हो तो चलेगा, बट 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 50 से ज्यादा हुआ तो 50 से ज्यादा जाते ही वो कंपनी मेरी क्या बन जाएगी, सब्सिडरी कंपनी, फिर वो मेरी एसोसिएट कंपनी नहीं है। मैं दोबारा लौटता हूं यहां पे, सुनो सर, व्हाट इज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है इक्वल टू और मोर देन 20% वोटिंग पावर। अगर मेरी कंपनी का 20% और मोर वोटिंग पावर उस कंपनी के पास आ गया है तो वो कंपनी ने मेरे में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस डाला तो मैं उसकी क्या बन जाऊंगा, एसोसिएट कंपनी बन जाऊंगा, बट वो कंपनी मेरी एसोसिएट नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है सर ए में, तो अगर बी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है ए में, अब व्हाट इज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, अभी मैंने बोला आधा पार्ट पढ़ाया मैंने अभी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का, सर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बोला अगर आपके पास 20% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर है, किसका, अगर आपके पास 20% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर है किसका, सर एसोसिएट कंपनी का, यानी इस कंपनी का ए लिमिटेड का, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, एसोसिएट कंपनी बन जाएगी, दिस विल बिकम योर एसोसिएट कंपनी। सर क्या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस निकालने के लिए यही एक क्राइटेरिया होता है 20% और मोर वोटिंग पावर, या और भी कुछ होता है, और भी कुछ होता है, मैं एक चीज और समझाता हूं, या तो देखो आपके पास 20% और मोर वोटिंग पावर है, या फिर आपके पास उस कंपनी के बिजनेस डिसीजंस या बिजनेस ऑपरेशंस को कंट्रोल करने की पावर है। देखो या तो बी लिमिटेड ए लिमिटेड में, ये कंपनी है ए लिमिटेड, ये कंपनी है बी लिमिटेड, मैंने बोला बी लिमिटेड का ए लिमिटेड में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो बी का ए में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस दो प्रकार से आ सकता है सर, या तो ये कंपनी बी लिमिटेड जो है ये ए लिमिटेड की 20% और मोर वोटिंग पावर होल्ड करती है, या तो ये बी लिमिटेड ए लिमिटेड की 20% और मोर वोटिंग पावर होल्ड करती है, या फिर सर बी लिमिटेड जो है ये ए लिमिटेड के बिजनेस डिसीजंस को या बिजनेस ऑपरेशंस को कंट्रोल करती है। नाउ हाउ वी विल डिटरमाइन कि बी लिमिटेड ए के बिजनेस ऑपरेशंस को, बिजनेस डिसीजंस को कंट्रोल कर रही है, तो बाय द वे ऑफ एन एग्रीमेंट ऐसा अलाउ किया जाता है बी को कि आप इसके डिसीजंस को, आप इसके ऑपरेशंस को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हुआ, मैं तुमको एक केस बताता हूं, एक कंपनी थी जिसका नाम था जेट एयरवेज और एक दूसरी कंपनी थी जिसका नाम था इतिहाद, जेट एयरवेज और इतिहाद, एक कंपनी थी सर जिसका नाम था जेट एयरवेज और एक कंपनी थी जिसका नाम था इतिहाद, इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि ये जो जेट एयरवेज है और इतिहाद होगा, इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि चलो सर एक काम करते हैं, आप हमारी होल्डिंग खरीदिए, आप हमारी होल्डिंग खरीदिए, जेट एयरवेज जो होगा और इतिहाद के बीच में क्या बना, एक एग्रीमेंट, सुनना आराम से सर, जेट एयरवेज और इतिहाद के बीच में एक एग्रीमेंट बना कि जो इतिहाद होगा ये जेट में 19% शेयर्स लेगा, बट इसके बदले, इसके बदले, इसके बदले इतिहाद को कुछ बिजनेस ऑपरेट करने के डिसीजंस के कुछ कंट्रोल मिल गए, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी फ्लाइट का फेयर क्या होगा वो कौन डिसाइड करेगा, ये कंपनी, ऑल्दो 19% शेयर्स हैं और वोटिंग राइट 20 से कम है, तो अभी देखा जाए तो एसोसिएट नहीं है क्योंकि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा, बट इतिहाद को कुछ राइट्स मिले थे, फॉर एग्जांपल एग्रीमेंट के द्वारा एक राइट मिल गया कि इस कंपनी का फेयर प्राइस जो होगा वो आप डिसाइड कर सकते हो, इस कंपनी के कैबिन में कौन कौन आएगा, कैबिन क्रू में कौन कौन आएगा वो आप डिसाइड कर सकते हो, फ्लाइट्स का सब क्या कैसे रहेगा वो आप डिसाइड कर सकते हो, यानी इसके बिजनेस ऑपरेशंस को कंट्रोल करने की पावर किसके पास आ गई, इतिहाद के पास, तो यानी कि अगर ये चीज भी आपके पास आ जाती है तो इवन इफ यू आर नॉट हैविंग, इसके बीच में और है एंड नहीं है, इवन इफ यू आर नॉट हैविंग 20% और मोर वोटिंग राइट, स्टिल क्योंकि आप उसके बिजनेस ऑपरेशंस को कंट्रोल कर पा रहे हो, बी लिमिटेड इज एबल टू कंट्रोल द बिजनेस ऑपरेशन एंड बिजनेस डिसीजन ऑफ द ए लिमिटेड, तो भी हम मान लेंगे कि सर बी का ए में क्या आ गया है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ गया है, तो ए क्या माना जाएगा, बी का एसोसिएट माना जाएगा, ए लिमिटेड को बी लिमिटेड का एसोसिएट कंपनी माना जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात? जी सर समझ में आ रही है। अब एक बात सुनना, यहां पर ना एक क्लासिक क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है और वो ये आता है, एक बच्चे ने मेरे से बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा एक बार, सर एक बार बताओ अगर आप इस कंपनी के बिजनेस डिसीजन को ही कंट्रोल कर ले रहे हो तो आपके पास तो कंट्रोल आ गया ना,
और अगर आपके पास कंट्रोल आ गया तो ये कंपनी तो आपकी सब्सिडरी बन गई, क्योंकि सब्सिडरी कंपनी के डेफिनेशन में आप ही ने हमें पढ़ाया था कि सब्सिडरी के बनाने के दो तीन तरीके होते हैं, जिसमें से एक तरीका था कंट्रोल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है सर? आप ही ने तो पढ़ाया था कि कंपनी अगर कंट्रोल ले लेते किसका, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, 50% वोटिंग पावर को छोड़ो, आप ही ने तो पढ़ाया था अगर कंट्रोल ले लेती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का तो भी वो कंपनी क्या बन जाएगी, ये कंपनी आपकी सब्सिडरी बन जाती थी। तो सर यहां पे भी तो आप इसके बिजनेस को कंट्रोल कर पा रहे हो, तो कंट्रोल तो आ गया ना आपके पास, तो फिर तो ये सब्सिडरी बन गई। और अगर ये सब्सिडरी बन गई तो आपने ऊपर लिखा तो हुआ है कि वो कंपनी सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए, तो एसोसिएट होती है, तो फिर सर ये तो एसोसिएट बन नहीं पाएगी क्योंकि ये तो सब्सिडरी बन गई है। तो ऐसा नहीं है। देखो यहां पर जो कंट्रोल आ रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ बिजनेस ऑपरेशंस को करने का राइट मेरे पास आ रहा है, कुछ बिजनेस ऑपरेशंस को करने की पावर मेरे पास आ रही है। पर जो सब्सिडरी में कंट्रोल हम पढ़ते हैं ना, वो थोड़ा वास्ट टर्म है। वो बोल रहा है आपके पास कंट्रोल आ गया मेजॉरिटी, और या तो मेजॉरिटी या सारे डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव करने का, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो पूरी कंपनी को मैनेज करते हैं, उनके पास तो सारी ही पावर्स हैं। अगर मेरा बोर्ड पे कंट्रोल आ गया, इसका मतलब मेरा हर चीज पे ही कंट्रोल आ गया, तो वो सब्सिडरी में लिखा हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट? यहां पर अगर लिखा है ना कि यहां पर आप कंट्रोल कर पा रहे हो, तो इसको सब्सिडरी से कभी कंफ्यूज मत करना। हो सकता है कोई आपसे भी ये क्वेश्चन पूछे, हो सकता है कोई आपसे भी एक क्वेश्चन पूछे, उसमें आपके पास पूरे बोर्ड का ही कंट्रोल आ गया है, पर यहां पर पूरे बोर्ड का कंट्रोल नहीं आया, यहां पर आपके पास सिर्फ कुछ बिजनेस डिसीजन या कुछ बिजनेस ऑपरेशंस लेने की क्या ये पावर आई है। समझ में आई बात? हाँ जी सर, यहां पर सिर्फ मेरे पास कुछ बिजनेस डिसीजन लेने की पावर आई है, पूरी पावर नहीं आई है। क्लियर? ठीक है सर, तो मैं दोबारा बोलता हूं, अगर एक कंपनी है फॉर एग्जाम्पल बी लिमिटेड, बी लिमिटेड का ए लिमिटेड में क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। सर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बोले तो इस कंपनी का बी लिमिटेड का ए लिमिटेड में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कैसे है, या तो 20% और मोर वोटिंग पावर होल्ड करती है बी ए में, या फिर बी का ए में बिजनेस डिसीजन या बिजनेस ऑपरेशन का पार्टिसिपेशन है, मतलब ए के बिजनेस डिसीजन या ए के बिजनेस ऑपरेशन को कंट्रोल करने की पावर किसके पास है, बी के पास, तो बी को, तो बी के लिए ए क्या बन जाएगा, एसोसिएट। ए कंपनी इज द एसोसिएट कंपनी ऑफ द बी कंपनी, मतलब ए लिमिटेड इज द एसोसिएट ऑफ बी लिमिटेड। अब मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन नंबर वन, जैसे हम सब्सिडरी में पढ़ते थे कि या तो आप खुद होल्ड करते हो 50% और मोर, तो अब वो आपकी सब्सिडरी है, या थ्रू आप अपनी सब्सिडरी के थ्रू आप उसमें होल्ड करते हो, तो वो होल्डिंग को जोड़ते थे, क्या वो थ्रू इट्स होल्डिंग या थ्रू इट्स सब्सिडरी, थ्रू इट्स एसोसिएट, ऐसा कुछ यहां डेफिनेशन में लिखा हुआ है? देखना जरा एक बार, क्या ऐसा कुछ यहां डेफिनेशन में लिखा है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होल्ड करती है, या तो डायरेक्टली खुद या अपनी एसोसिएट के द्वारा या अपनी सब्सिडरी के द्वारा, ऐसा कुछ लिखा हुआ है यहां पे कि आप उसमें 20% और मोर वोटिंग पावर होल्ड करते हो या तो खुद या अपने एसोसिएट के द्वारा या सब्सिडरी के द्वारा, मतलब ऐसा कुछ क्लबिंग वाला लिखा है क्या यहां पे? क्या ऐसा कुछ यहां पे लिखा हुआ है? शायद, क्या लॉ तुम्हारे सामने है, देख लो ये पूरी डेफिनेशन में क्या ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि आप होल्ड करते हो 20% और मोर थ्रू योर एसोसिएट, थ्रू योर एसोसिएट कैसा लिखा है, या थ्रू योर सब्सिडरी कैसा लिखा है? नहीं लिखा। तो यहां पे डायरेक्टली होल्ड करना है, यहां ध्यान रखना डायरेक्टली होल्ड करना है, यहां वो वाला ड्रामेबाजी नहीं है। कौन से वाली? कि आप अपनी सब्सिडरी के थ्रू होल्ड कर रहे हो तो चलेगा, ऐसा सब्सिडी नहीं है भाई यहां पे, यहां आपको डायरेक्टली होल्ड करना है। क्लियर? इधर आओ। यानी कि अगर सर मान लो ऐसा है, एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड का वाई लिमिटेड में 19% वोटिंग पावर है, एक्स की एक सब्सिडरी है एस लिमिटेड 58% वोटिंग पावर, और ये एस का इसमें 2% वोटिंग पावर है, तो क्या हम वाई लिमिटेड को, इज वाई लिमिटेड एसोसिएट ऑफ एक्स लिमिटेड, क्या वाई एक्स की एसोसिएट होगी? आंसर इज नो सर, वाई एक्स की एसोसिएट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? वाई एक्स की एसोसिएट इसलिए नहीं होगी क्योंकि सर यहां वो थ्रू वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप 19 और 2 को प्लस कर रहे हो, 19 प्लस 2 ये मोर देन 20 हो गया, ये करना है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है।
ये बात समझ में आई सर? ऐसा नहीं है। चलो आगे, जल्दी बोलो, आगे बढ़ो। चलो आगे देखो। अब एक चीज समझना सर, ये हुआ एसोसिएट कंपनी। आप एक चीज बताओ, क्या डेफिनेशन पूरी हो गई है? नहीं। इधर आओ, ये डेफिनेशन हुई है यहां तक। एसोसिएट कंपनी मींस अ कंपनी इन विच अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, यानी ये कंपनी जिसमें तो उस कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा, तो ये कंपनी उसकी क्या मानी जाएगी? एसोसिएट मानी जाएगी। पर ये कंपनी उस कंपनी की सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए जिसका मेरे में इन्फ्लुएंस है ना, मैं उसकी सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए। एंड अब यहां ये डेफिनेशन में ना ब्रेक आ गया, ये थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया, कुछ इसको ध्यान से सुनना। यहां आ गया एंड, एंड इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी। आपकी कंपनी की जो जॉइंट वेंचर कंपनी होगी, जेवी कंपनी होगी, वो आपकी एसोसिएट होगी ही होगी। इन एनी केस वो आपकी एसोसिएट होगी ही होगी इन एनी केस, यानी अगर वो आपका जॉइंट वेंचर है तो जॉइंट वेंचर वाली कंपनी तो हमेशा एसोसिएट होगी ही होगी। जॉइंट वेंचर कंपनी तो एसोसिएट होगी ही होगी। इज इट क्लियर सर? मतलब पहले तो मुझे बताओ जॉइंट वेंचर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड जॉइंट वेंचर? सर जॉइंट वेंचर का मतलब क्या होता है? जॉइंट वेंचर का मतलब होता है जब दो कंपनी मिलकर एक और कंपनी को फॉर्म करते हैं और एक जॉइंट वेंचर बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जॉइंट वेंचर क्या होता है, पहले मैं जेवी बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल सर, एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक कंपनी है बी लिमिटेड, और ए और बी ने मिलकर एक जेवी बनाया और जेवी बनाया ए बी लिमिटेड। जेवी क्या बनाया? ए बी लिमिटेड। तो सर ये जो जेवी कंपनी है ए बी लिमिटेड, ये ए बी लिमिटेड, ये ए बी लिमिटेड एसोसिएट मानी जाएगी किसकी? सर दिस ए बी लिमिटेड इज एसोसिएट ऑफ बी, एंड दिस ए बी इज ऑल्सो एसोसिएट ऑफ ए ऑल्सो। ये जेवी को तो हमेशा आपको एसोसिएट मानना ही मानना है, यानी अगर आपकी कोई एसोसिएट, अगर आपका कोई जेवी बना हुआ है, आपकी कोई जॉइंट वेंचर कंपनी है, तो वो जॉइंट वेंचर कंपनी आपकी एसोसिएट मानी ही जाएगी, ऐसा हमेशा मान के चलना। क्योंकि एंड के बाद इन्होंने वो एंड जहां पर आया ना, वो डेफिनेशन ब्रेक हो गई और डेफिनेशन का सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो गया। उन्होंने पहले बोला एसोसिएट कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी होगी, अगर कोई दूसरी कंपनी आप में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखती है तो आप उसके एसोसिएट हो, बस ध्यान रखना आप उसके सब्सिडरी नहीं होने चाहिए। फिर लास्ट में लिख दिया एंड जेवी कंपनी जो होती है ना वो एसोसिएट होती ही है। एसोसिएट कंपनी मींस अ कंपनी विच इज अ जेवी कंपनी। जेवी कंपनी जो होगी वो एसोसिएट तो होगी ही होगी, यानी अगर कोई ज्वाइंट वेंचर कंपनी है तो वो आपकी एसोसिएट माना ही जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर आ गई। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इसका आंसर आप मुझे दोगे। अगर ये दे दिया तो बस एसोसिएट कंपनी की कहानी खत्म हो जाएगी, यहीं पे दम तोड़ देगी एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लो मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल बना के पूछता हूं। एग्जाम्पल नंबर वन, मान लो एक कंपनी है जिसका नाम है ए लिमिटेड, एक कंपनी है जिसका नाम है बी लिमिटेड। ए लिमिटेड का और बी लिमिटेड का एक जॉइंट वेंचर बना, जेवी कंपनी बनी ए बी प्राइवेट लिमिटेड। इंडिया में कुछ फेमस जॉइंट वेंचर जैसे हीरो होंडा, मारुति सुजुकी, ठीक है। तो जेवीज में क्या होता है, जेवीज में दो कंपनी मिलकर क्या कर रही है, कंपनी बनाकर चला रहे हैं। तो ये जेवी कंपनी बनी। ए लिमिटेड का इस ए बी प्राइवेट लिमिटेड में 15% होल्डिंग है, 15% वोटिंग पावर है, और बी का इसमें 10% वोटिंग पावर है। मुझे बताओ ये ए बी प्राइवेट लिमिटेड किसकी जॉइंट वेंचर है, और सॉरी किसका एसोसिएट है, है भी या नहीं है? दिस इज माय क्वेश्चन। अगर इसका आंसर दे दिया तो गेम ओवर। माय क्वेश्चन टू यू, दिस ए बी प्राइवेट लिमिटेड इज एसोसिएट ऑफ ए और एसोसिएट ऑफ बी? दोनों क्वेश्चन का आंसर लिख दो यहां पे, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू। ए बी प्राइवेट लिमिटेड क्या ये एसोसिएट है ऑफ ए लिमिटेड? और ए बी प्राइवेट लिमिटेड क्या ये सर एसोसिएट है
बी लिमिटेड का। ओके बच्चे बोल रहे हैं सर ये दोनों का एसोसिएट है बट यहां तो इनका 20% ज्यादा वोटिंग पावर ही नहीं है, यहां तो इनका सर 20% से ज्यादा वोटिंग पावर ही नहीं है, तो सर वो तो एंड के पहले लिखा था ना, देखना था सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या नहीं है, इन्होंने एंड के बाद क्या लिखा, एंड इंक्लूड जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर आपका एसोसिएट माना ही जाएगा, वहां हम सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस चेक नहीं करते, वहां हमको मानना ही है क्या कि ये जॉइंट वेंचर कंपनी आपकी एसोसिएट मानी ही जाएगी। तो आंसर इज सर दोनों केस में क्या हो जाएगा, यस ये दोनों की एसोसिएट है क्लियर, क्योंकि ये जॉइंट वेंचर है। अगला सवाल अगर तुमने जवाब दे दिया तो मैं तुमको बता रहा हूं 1000 क्या 1,00,000 रुपए इनाम, 1,00,000 रुपए इनाम, 1,00,000। चलो सामने देखो क्वेश्चन ये है सर, एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक कंपनी है बी लिमिटेड, ठीक है सर, जो ए लिमिटेड है ना इसका इसका और बी लिमिटेड का एक जॉइंट वेंचर बना, और ये जॉइंट वेंचर बना ए बी लिमिटेड। अब ये जो जॉइंट वेंचर बना ए बी लिमिटेड, इसमें ए लिमिटेड का 60% शेयर है और बी लिमिटेड का 40% शेयर है, इसमें ए लिमिटेड का 60% शेयर है और इसमें बी लिमिटेड का 40% शेयर है। मेरा आपसे क्वेश्चन है ये जो ए बी लिमिटेड है क्या ये ए बी प्राइवेट लिमिटेड लिख लो, ए बी लिमिटेड लिख लो, क्या ये जो ए बी प्राइवेट लिमिटेड है, अब मुझे बताओ क्या ये ए की एसोसिएट है, क्या ये बी की एसोसिएट है, दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वेदर इट इज एसोसिएट ऑफ ए, वेदर इट इज एसोसिएट ऑफ बी, या वेदर इट इज एसोसिएट ऑफ नो वन, या वेदर इट इज एसोसिएट ऑफ एनी वन, आपको क्या लगता है बताओ जी, ये ए बी प्राइवेट लिमिटेड क्या सर ए की एसोसिएट है, क्या बी की एसोसिएट है, मैं चलो आपके लिए मुश्किल वाला काम आसान कर देता हूं, मैं आंसर लिख देता हूं, ये बी की एसोसिएट तो है, यस बी की तो ये एसोसिएट है क्योंकि बी का इसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी मुझे नजर आ रहा है और ये जॉइंट वेंचर भी है। मेरा आपसे सिर्फ ये जो 1,00,000 का प्रश्न है ना वो इसी चीज के लिए है कि क्या ये ए की एसोसिएट है, क्या ये ए की एसोसिएट है, आंसर आ रहा है यस सर यस सर यस सर, पर अगर ये ए की एसोसिएट है तो एक चीज दिमाग लगाओ कि यार यहां तो 60% वोटिंग पावर है तो इस हिसाब से तो ये इसकी क्या बन गई, सब्सिडरी बन गई, और अगर ये कंपनी इसकी सब्सिडरी बन गई तो ऊपर तो डेफिनेशन में लिखा था विच इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी, तो फिर सर ये इसकी एसोसिएट कैसे हुई, दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तो एसोसिएट इसकी, ये इसकी एसोसिएट कैसे हुई क्योंकि ये तो इसकी सब्सिडरी बन चुकी है, क्योंकि ए इसमें कितना होल्ड करता है 60% वोटिंग पावर, तो सर क्या ये इसकी सब्सिडरी बन गई, तो क्या ये इसकी एसोसिएट है या नहीं है, आंसर इज ये इसकी एसोसिएट, ये इसकी एसोसिएट है या नहीं है, आंसर इज ये इसकी एसोसिएट है या नहीं है, आंसर इज यस, ऐसा कहना गलत नहीं है, आंसर इज यस ये इसकी सब्सिडरी है, ओ सॉरी एसोसिएट है सर, पर क्यों आप ही ने तो ऊपर लिखा विच इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी, क्या यार सर आप भूल जाते हो यार सर यार यार सर यार, आप ही ने तो लिखा विच इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी, सर अब आप बोल रहे हो कि वो एसोसिएट है, पहले आप बोल रहे थे कि वो कंपनी सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए तभी तो एसोसिएट होगी, अब आप बोल रहे हो कि वो एसोसिएट है, बट बेटा ये जो लिखा है विच इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी ये एंड से पहले लिखा है, ये एंड से पहले लिखा है, अब एक चपेट मारो अपने आपके खींच के, अगर तुम मुझे अब आंसर नो दे रहे हो तो फिर तुमने मुझे इसमें आंसर यस क्यों दिया, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्यों नहीं था यहां पे, फिर यहां यस क्यों बोला, यहां पे यस क्यों बोला, क्योंकि सर जब वो एंड के बाद हमने लिखा ना तो एंड के बाद क्या लिखा एंड जॉइंट वेंचर, तो इन्हें लिख दिया जॉइंट वेंचर कंपनी अगर होगी वो मेरी एसोसिएट होगी होगी, अब कुछ भी केस बन जाए मुझे मतलब नहीं है, पर जॉइंट वेंचर कंपनी मेरी क्या मानी जाएगी, वो मेरी एसोसिएट मानी जाएगी, अब चाहे उसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस था नहीं था मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वाली बात एंड से पहले लिखी है, दैट इज द फर्स्ट लिंब, लिंब का मतलब होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट डेफिनेशन, वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होना चाहिए सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए, दैट फर्स्ट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन में था ये,
सेकंड पार्ट में तो ये सब था ही नहीं, और जब सेकंड पार्ट में ये सब कुछ था ही नहीं तो सेकंड पार्ट में सिर्फ मुझे क्या देख रहा था कि भैया तू मेरा जॉइंट वेंचर है ना, चल आजा 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 आजा, तू मेरी क्या है सब्सिडियरी का, ओ एसोसिएट कंपनी। यानी मैं एक चीज बोलूं, ये वाले केस में ये ऑल्दो इसकी सब्सिडियरी भी है पर फिर भी इसकी क्या मानी जाएगी, एसोसिएट मानी जाएगी, बिकॉज इट इज अ जॉइंट वेंचर। ये इसका जॉइंट वेंचर है इसलिए ये क्या माना जाएगा, एसोसिएट माना जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, समझ में आ गई बात, बोलो है ना, सेट का मामला, जल्दी बोल दो, जल्दी बोल दो। चलो मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को एक चीज बताओ, आज बड़ी बार ग्लिच आ गया यार, है ना। एक काम करेंगे अपन, संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे, ठीक है, संडे को वी विल हैव एन एक्स्ट्रा क्लास। चलो मेरे को एक चीज बताओ, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे उसके आंसर बताना, ज्वाइंट वेंचर में। हाँ ज्वाइंट, देखो अगर वो कंपनी आपकी जेवी है ना तो आप आंख बंद करके बोलो यू आर माय एसोसिएट, पर मैं फिर बोल रहा हूं वो आपकी एसोसिएट है, आप उसके एसोसिएट नहीं हो। चलो एक मजे की बात और बताता हूं, और एक नॉलेज देता हूं, क्या एबी प्राइवेट लिमिटेड ए की एसोसिएट है, हाँ। क्या एबी प्राइवेट लिमिटेड बी की एसोसिएट है, हाँ। बट क्या बी लिमिटेड एबी का एसोसिएट है, नो, नहीं नहीं। क्या ए लिमिटेड एबी का एसोसिएट है, नो। मैं फिर बोल रहा हूं ये एसोसिएट नहीं होता ऐसे, ये जिसमें आप होल्ड करते हो वो एसोसिएट है। अच्छा अच्छा, क्या ए और बी आपस में एसोसिएट है, चलो ये भी बताई दो अब, क्या ए और बी आपस में एसोसिएट है, वेदर ए एंड बी आर आपस में एसोसिएट, क्या सर ए और बी ये दोनों आपस में एसोसिएट कंपनी है, नो, ये दोनों आपस में एसोसिएट नहीं है, ये दोनों आपस में भी एसोसिएटेड नहीं होती है, ठीक है। चलो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं, मैं आपको कुछ बोलूं, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूंगा, आप मेरे को बताना आपको कितनी बातें समझ में आई उसमें से। मैं आपसे चार बातें बोलूंगा, ठीक है, और आप मेरे को ये बताओगे। अच्छा तरुण कह रहे हैं बस मैं यही पूछने वाला था सर, क्या ए और बी आपस में एसोसिएट होंगे, आंसर इज नो। देख लो तुम जो सोचते हो वो मैं पहले से सोच के बैठ जाता हूं। सर एक चीज बताओ कि क्या ये दोनों आपस में एसोसिएट होंगे, तो आंसर इज नो। चलो मैं आपसे ना चार क्वेश्चन पूछूंगा, चार क्वेश्चन के मैं आपको चार लाइंस बोलूंगा, आप मुझे बताना कि आपको चार में से कितनी समझ में आई, ठीक है। अब तुमने इतना पढ़ लिया है तो आपको चार में से क्या समझ में आया आपको मेरे को ये बताना है, ठीक है। पूछो पूछो, लेट्स गो गो, ठीक है, 3 2 1 स्टार्ट। मेरी सब्सिडरी की सब्सिडरी इज माय सब्सिडरी, मेरी एसोसिएट की एसोसिएट इज नॉट माय एसोसिएट, बट मेरी सब्सिडरी की एसोसिएट इज नॉट माय एसोसिएट, बट मेरी एसोसिएट की सब्सिडरी इज नॉट माय सब्सिडरी। बताओ कितनी समझ में आई ईमानदारी से, ईमानदारी से कितनी समझ में आई, क्योंकि अगर तुमने बोल दिया मेरे को चारों समझ में आ गया, मैंने एक क्वेश्चन पूछ लेना और अगर वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए तो फट्टे समझ में आ जाएंगे, तुमने गलत मारे हैं फट्टे, तुमको समझ में नहीं आया और तुम फट्टे मार रहे हो। चारों समझ में आ गई तुमको, सर वो चार लाइंस क्या बताऊं ना दोबारा, मेरी सब्सिडरी की सब्सिडरी इज माय सब्सिडरी, मेरी सब्सिडरी की सब्सिडरी इज माय सब्सिडरी, मेरी सब्सिडरी की एसोसिएट इज नॉट माय एसोसिएट। हेलो, ये चेन होल्डिंग सब्सिडरी सब्सिडरी पे लगता है, सब्सिडरी एसोसिएट पे नहीं लगता। मान लो मेरी एक सब्सिडरी है और उस सब्सिडरी की कोई एसोसिएट है, वो मेरी एसोसिएट नहीं है। गेटिंग द पॉइंट, मेरी एसोसिएट की एसोसिएट इज नॉट माय एसोसिएट, क्योंकि यहां कोई चेन एसोसिएट वाला कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़ा, और मेरी एसोसिएट की सब्सिडरी इज नॉट माय सब्सिडरी। अब मैंने आराम से बोला, आप समझ में आया ना, मेरी सब्सिडरी की सब्सिडरी इज माय सब्सिडरी, बट मेरी एसोसिएट की एसोसिएट इज नॉट माय एसोसिएट, बट मेरी एसोसिएट की सब्सिडरी भी मेरी सब्सिडरी नहीं है, और मेरी सब्सिडरी की एसोसिएट इज नॉट माय एसोसिएट। Is it clear? बोलो, इजी हो गया ना मामला,
क्लियर है? ठीक है। और जो एक चीज और, एक चीज और, एक चीज और, एक ए है, एक बी है, एक सी है, ये इसकी सब्सिडरी कंपनी है, ये इसकी सब्सिडरी कंपनी है, तो ये इसकी सब्सिडरी मानी जाएगी। एक ए है, एक बी है, ये सब लिमिटेड लिख लेना यार, तुम फिर बाद में बोलोगे कंपनी है, ये लिमिटेड नहीं लिखवाया, और एक सी लिमिटेड है, ये इसकी सब्सिडरी है, ये इसकी एसोसिएट कंपनी है, तो ये इसकी एसोसिएट हो जाएगी क्या? नो, एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक कंपनी है बी लिमिटेड, एक कंपनी है सी लिमिटेड, ये इसकी सब्सिडरी, ये इसकी एसोसिएट है, ये इसकी सब्सिडरी है, तो ये इसकी सब्सिडरी हो जाएगी क्या? नो। और एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक कंपनी है बी लिमिटेड, एक कंपनी है सी लिमिटेड, ये कंपनी इसकी एसोसिएट कंपनी है, ये इसकी एसोसिएट कंपनी है, तो क्या ये मेरी एसोसिएट कंपनी हो जाएगी क्या? नो। क्लियर? अच्छा एक चीज बताओ लास्ट, बस एक चीज, यहां तक की कहानी समझ में आ गई ना पूरी? सेट हो गया मामला एकदम? ठीक है सर, दिस एवरीथिंग इज क्लियर टू अस। एक लास्ट चीज है बस, वो जो सब्सिडरी में ये वाला क्लॉज लिखा था ना हमने, जब हम होल्डिंग सब्सिडरी पढ़ रहे थे तो हमने ये वाला एक क्लॉज लिखा था, कम गया, वो फिड्यूशरी कैपेसिटी वाला था यार, नीचे है ना, वो तो आज कराया ना, ये रहा, ये रहा, ये जो आपने लिखा था ना, आप यहां लिख लो सेम फॉर एसोसिएट कंपनी, यही सेम आपको किस पे फॉलो करना है? एसोसिएट कंपनी पे, दिस इज सेम फॉर एसोसिएट कंपनी, सेम हू बहु सेम, बिल्कुल सेम यही सर्कुलर सब्सिडरी पे भी लगता है और सेम यही सर्कुलर एसोसिएट पे भी लगता है। यानी अगर मान लो कि एक कंपनी दूसरी कंपनी में 20% और मोर वोटिंग पावर तो रखती है, पर उसमें से कुछ वोटिंग पावर वो एज अ फिड्यूशियरी कैपेसिटी होल्ड करती है, तो उसको हटाकर देखेंगे, बाकी देखेंगे कितना है, अगर वो बी से उससे ज्यादा है तो माना जाएगा कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। फॉर एग्जाम्पल बी ए में 22% होल्ड करता है फॉर एग्जाम्पल, और उसमें से 5% पैसा उसको किसी मिस्टर ए ने फंड दिए थे और उसके बिहाफ पे होल्ड कर रहा है, तो असल में बी ए में कितना होल्ड कर रहा है? 17, तो वो बी का जो ए में होल्डिंग देखा जा रहा है वो 22 ना देखकर वो 5 हटा दिया गया फिड्यूशियरी कैपेसिटी वाला, 17 देखा गया, तो 17 से कोई आपके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं आता, और अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं आता तो फिर देन इन दैट केस आप क्या नहीं माने जाओगे? उसके एसोसिएट नहीं माने जाओगे, मतलब वो ए आपका एसोसिएट नहीं माना जाए। ठीक है, यहां तक एक बार मेरे को डन का मैसेज दे दो, उसके बाद मैं लास्ट बात करूंगा आपसे, जल्दी से लिख दो डन डना डन डन चिन टपाक डम डम, जल्दी लिख दो। सर यहां तक हमारा मामला हो चुका है सेट एकदम, और हमने तसल्ली बख्श ये सब निपटा दिया है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अब मैं आपको होमवर्क के सिर्फ दो क्वेश्चन दे रहा हूं, क्योंकि पावर दोबारा दोबारा कट हो रहा है, तो एक काम करते हैं अपन आज की कक्षा थोड़ी सी जल्दी आपको विराम दे रहे हैं, बट संडे को वी विल हैव एन एक्स्ट्रा क्लास। ठीक है, तो संडे को कुछ जो टॉपिक्स बच जाएंगे अपने, जो आज मेरे को कराने थे बट थोड़ा सा ग्लिच की वजह से बार बार नहीं हो पाए, तो थोड़े से और टॉपिक्स कराने थे, बट उसको अपन करेंगे संडे को भी। ठीक है, तो कल है क्लास, कल कोई छुट्टी नहीं है, कल क्लास है, फिर उसके बाद अपन, ट्रस्टी और डायरेक्टर अलग अलग होते हैं, बहुत अलग होते हैं, डायरेक्टर के पास मैनेजमेंट है, ट्रस्टी इज द जो पर्सन जो उस चीज की फिड्यूशियरी कैपेसिटी में होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो कल क्लास है अपनी, अपने टाइम पे ही है कल सुबह 8 बजे। ठीक है, परसों जो है फिर मैं एक और एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, तो उसमें थोड़ा सा और आपको एक्स्ट्रा कवर करा के कब निपटा देंगे, और फिर मंडे से अपन और आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो दो क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं, इसको आज ट्राई जरूर करके आना, क्योंकि ऑल टुगेदर अब होल्डिंग सब्सिडरी खत्म हो गया, तो मैं चाहता हूं दो क्वेश्चन ट्राई करो और मेरे को आंसर दो आप। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, सो यश लिमिटेड एक कंपनी है, यश लिमिटेड के पास, यश लिमिटेड इशू 10 लाख इक्विटी शेयर्स, 10 रुपए का एक फुल्ली पेडअप, फुल्ली पेडअप का मतलब होता है 10 लाख शेयर इशू करे, 10 रुपए का एक शेयर था और पूरे 10 रुपए आ चुके हैं, 10 लाख रुपीज पे 10 रुपीज पूरे फुल पेड अप है, और यश लिमिटेड ने फिर दोबारा 15 लाख इक्विटी शेयर इशू करे, 10 रुपए का एक है, अभी 5 रुपए कॉल किए थे और 5 रुपए पेड अप है, मतलब 5 रुपीज अभी पेड अप है, 5 रुपीज अभी पेड अप नहीं है। रघु लिमिटेड जो है वो 13 लाख पार्टली पेड अप वाले शेयर होल्ड करता है, मतलब इस 15 लाख में से 13 लाख शेयर होल्ड करता है, तो रघु लिमिटेड ने पैसे कितने दिए होंगे? 13 लाख इंटू 5, 65 लाख। ओके, आपको ये बताना है कि रघु लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है किसकी,
यश किया नहीं, यानी बेसिकली यू हैव टू टेल यश इज सब्सिडियरी ऑफ रघु और नॉट, ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर वन, वी विल डिस्कस। और एक और क्वेश्चन है, मान लेते हैं सर दो कंपनी, एक राम लिमिटेड है और एक रोहन लिमिटेड है, दोनों ही सब्सिडियरी कंपनी है शिव लिमिटेड की, ओके, डायग्राम आप बना लेना, मैं चाहता हूं कि एक बार ये भी करो तुम, ठीक है, शिव की आप दोनों सब्सिडियरी हो, राम लिमिटेड होल्ड करता है 300,000 इक्विटी शेयर ऑफ अनदर कंपनी मानव लिमिटेड। अब ये कोई और एक पिक्चर में नई कंपनी आई, मानव लिमिटेड, मानव लिमिटेड के 300,000 शेयर कौन होल्ड करता है, राम, मानव लिमिटेड के 150,000 शेयर कौन होल्ड करता है, राम, रोहन। आपको बताना है कि मानव लिमिटेड के टोटल शेयर अगर 800,000 हो तो क्या मानव लिमिटेड सब्सिडियरी है शिव की? वाओ, क्या क्वेश्चन है, वाओ सर वाओ, लुकिंग लाइक अ वाओ, ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करके आओगे, लेट्स सी हु विल आंसर वेरी करेक्टली एंड देन वी विल डिस्कस, ठीक है। सो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा बाय बाय, एंड कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड, एज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर सक्सेस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।